Assalamualaikum, good morning Pakistan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मजे में? हाय हाय हाय, भागी भागी आई हूँ. सॉरी सॉरी सॉरी. जैसे कि शादियों में जाने के लिए बंदा लेट हो जाता है, वैसे ही किसी दावत पे जाने के लिए बंदा लेट हो जाता है. तो मैं पता नहीं क्यों अब अक्सर बहुत लेट होने लगी हूँ, चाहते हुए भी टाइम पे नहीं पहुँच पाती. अच्छा, आज एक बहुत खूबसूरत, कहते हैं ना कि, प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं. आपको पता है, खास तौर पर हमारे पाकिस्तान में ये जहन में नहीं है लोगों के, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हील करती हैं आपको ज़िंदगी में. और एक बहुत प्यारी ये चीज़ है कि मोहब्बत भी आपको हील करती है. यकीन जाने, आप किसी भी बड़े से बड़े मरहले से गुजर रहे हों, बड़ी बड़ी वो कहते हैं ना, आपको बहुत कुछ बेयर करना पड़ता है. ये लाइफ आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किलात सहनी पड़ती हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई साथी ऐसा होता है, किसी की बातें ऐसी होती हैं जो वाकई सच्चे दिल से आपको चाहता है और आपसे मोहब्बत करता है, या आपको किसी से मोहब्बत होती है, तो वो आपकी ज़िंदगी में अलग अलग स्टेजेस पर आपको हील करती है. अगर आप बीमार हैं और आपके साथ कोई मोहब्बत करने वाला है, वो आपकी बीमारी में आपको हील करता है. आपकी तकलीफ़ कम हो जाती है, आपको ये एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई खड़ा है, मैं अकेली नहीं हूँ. सो जाहिर है, हम यहाँ इस पाकिस्तान में, हमारा तो माहौल ऐसा ही है कि जाहिर है हम मोहब्बत करते हैं उससे जिससे हमारी शादी होती है, जिससे हम, हमारे साथ अल्लाह ताला ने हमें निकाह में बांधा होता है. और निकाह में एक ऐसी अट्रैक्शन होती है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत में और ज़्यादा, निकाह के बाद और ज़्यादा मगन हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं. सो ये जो मोहब्बत की कहानी है, मुझे तो पता नहीं क्यों जब मैं किसी और की मोहब्बत की कहानी सुनती हूँ, कैसे मोहब्बत हुई, कैसे पसंदीदगी हुई एक दूसरे में, कैसे मोहब्बत का इजहार किया, ज़िंदगी भर मोहब्बत को कैसे लेके चले, कितनी मुश्किलें देखी इस मोहब्बत को पाने के लिए, कितनी कुर्बानियाँ दी, तो मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि इस नफ़रत वाली दुनिया में जो इतनी नेगेटिविटी है, जहाँ हर कोई दूसरे की टांग खींच रहा है, वहाँ ये दो लोग ऐसे हैं जो अपने में मगन है, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हैं. ये फीलिंग्स सुनने में इतना कोई अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि वाकई अल्लाह ताला ने ये दुनिया जन्नत बनाई है. लेकिन इस फूलों में कांटे बहुत होते हैं. वही इर्द गिर्द के लोग कितने नेगेटिव होते हैं, कभी कभार दो मोहब्बत करने वालों को मिलने नहीं देते, कभी कभार दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान कुछ ऐसी बीज बो देते हैं कि उनको अलग कर देते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी मोहब्बत की कहानियाँ आपने भी अपनी ज़िंदगी में सुनी होंगी, आपने आसपास अपने क्लास फेलोज, अपने नेबरहुड, अपने ख़ानदान, इस तरह अपने भी सुनी होंगी. आपने अपने अम्मी अब्बू की मोहब्बत की कहानी सुनी होगी. मैंने अपनी अम्मी अब्बू की मोहब्बत की कहानी जैसे भी सुनी, तो कुछ साल बाद अम्मी यही कहती थी, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं. शुरू में कहानी सुनाते हैं और उसके बाद जब एक सर्टन साल हो जाते हैं, तो ये आप देखिए, मोहब्बत बदलती है, तब्दील होती है. जब उस वक्त आप नए नए होते हैं, आपकी शादी हुई होती है, गोल्डन पीरियड चल रहा होता है, उस वक्त इतने नाज नखरे बीवी के उठाए जा रहे होते हैं, और उसके कुछ अरसे बाद, कुछ साल बाद, वही जो नाज नखरे होते हैं वो सांप की तरह लगने लगते हैं. फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद आपकी जो मोहब्बत है वो ज़ाहिर है वैसी नहीं रहती, डिवाइड हो जाती है, औरत की भी मर्द की भी. बहुत सारे और ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए काम करने पड़ते हैं, जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने आप को एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ले जाने के लिए. वो हार्डवर्क जो होता है उसमें कई गुम हो जाती है मोहब्बत, या फिर मोहब्बत करने का तरीक़ेकार तब्दील हो जाता है. सो ऐसा नहीं होता कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है, लेकिन मोहब्बत करने का तरीक़ेकार बदल जाता है. और यही कहानी तो हम सुनना चाहते हैं और आपको सुनवाना चाहते हैं. तो इस वीक हमारा पूरा जो दारोमदार है वो घूमेगा मोहब्बत के ऊपर. कहानी सुनो वीक हमारा, हमारे इस वीक का नाम है, क्योंकि आजकल इतना हिट हो रहा है हमारा ड्रामा भी, और ये इसका ये टाइटल सॉन्ग जो इसका गाना है वो भी, कि
हमने कहा कि इस दफ़ा हम एक खूबसूरत मोहब्बत वाला वीक, हम मुझे बहुत शर्म आती है इस तरह की वीक्स करने में, तो हम कम ही करते हैं ये मोहब्बत और ये प्यार और इस तरह की बातें. आई डोंट नो किसी से हो जाती हैं किसी से नहीं होती. मुझे सुनने में तो बहुत मज़ा आता है लेकिन मुझे इस तरह के सवाल करने में बहुत अजीब सा लगता है कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, शायर ने क्या कहा. नहीं हूँ मैं ऐसी, तो वो मुझे बात करने में थोड़ा सा कुछ अजीब फील होता है. मगर क्योंकि ये वो वीक है जिसमें आप मोहब्बत के अलग अलग स्टेजेस को डिस्कवर करेंगे, किसी और की कहानी सुनकर आप उससे रिलेट करेंगे, आपको लगेगा कि आपके दरमियान भी तो यही मोहब्बत है और इसे मोहब्बत कहते हैं. हर किसी की ज़िंदगी में मोहब्बत की डेफिनेशन अलग होती है. यहाँ हमारे शो पे हम आपको क्या क्या लेकर आएंगे दिखाने के लिए इस वीक में, मैं गारंटीड कह रही हूँ कि आपने इन्जॉय करना है. सो रहिए हमारे साथ हमेशा की तरह इस वीक भी. और क्या क्या होगा हमारे शो में ये मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बताऊंगी. तो रहिए हमारे साथ कहानी सुनने के लिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जैसे कि मैंने आपको कहा ना, कितना अच्छा लगता है मोहब्बत की कहानी सुनना. जिसकी नई नई शादी हो उसकी खूबसूरत, वो कहते हैं ना कि किस तरह मिले, कैसे हुआ ये रिश्ता, कैसे बना, ये सारी बातें सुनना. आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा. एक खूबसूरत सा सुबह सुबह ठंडी हवा का झोंके की तरह, एक इस तरह इतनी टेंशन वाले दौर में हम प्यार मोहब्बत की बात करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी थोड़ी सूद हो सके. पता नहीं, मुझे तो लगता है कि किसी और की मोहब्बत की बात सुनकर आप उसी ड्रीम में चले जाते हैं, उसी फैंटेसी में चले जाते हैं. तो चलें आपको एक हफ्ते के लिए सुबह सुबह मैं फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती हूँ. उस फैंटेसी वर्ल्ड में रियलिटी भी आएगी जो कि सबके साथ होती है. सो अभी जिस एक खूबसूरत प्यारे से कपल को मैं बुलाने जा रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दोबारा से वो चीज़ रिवाइव हो रही है कि छोटी यंग एजेस में बच्चों की शादियाँ होने लगी हैं और वो अपनी ज़िंदगी, प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ कर लेते हैं. इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचना, क्योंकि मेरी भी शादी बहुत यंग एज में हुई थी और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि वाह कि ऐसे ही होना चाहिए. आपको बहुत कुछ सीखने समझने का मौका जल्द ही मिल जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में. सो इस वक्त जिस कपल को मैं बुला रही हूँ, उनकी पिक्चर्स आपने देखी होंगी शादी की. इस सेलिब्रिटी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ शो बिज़नेस में आए हुए, लेकिन आते ही अम्मा ने लगता है खूंटे से बांध दिया, शादी कर दी. कैसे हुई उनकी शादी, कैसे मिली उनको, उनके हमसफ़र से कैसे मुलाकात हुई, ये सारी बातें जानने के लिए मैं सुनना चाहती हूँ उनकी कहानी. तो आप भी सुनेंगे उनकी कहानी. सो आइए वेलकम करते हैं सुभान अवान और उनकी वाइफ वशमा फातिमा. कहानी सुनो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. यू आर लुकिंग लवली. दुल्हनिया आइए प्लीज, बैठिए बैठिए आइए. आपसे ज्यादा तो आपकी शादी की खुशी में मैं तैयार हूँ क्या. प्लीज बैठे, प्लीज बैठे. तो सुभान जो है उनको तो मैं खैर बचपन से इस तरह जानती हूँ कि सुभान की जो बहन है वो हमारे कॉलेज में थे हम लोग इकट्ठे. जी बिल्कुल. सो सुभान को तो मैं जब ये छोटे से होते थे तब से मैंने उसको देखा है. और उसके बाद फिर सुभान से मेरी मुलाकात दावत में ही हुई थी. वहीं तो फिर तब पता चला कि सुभान जो है वो एज मॉडल, एज एन एक्टर इस फील्ड में आ गए. मेरी तो सुभान से ऐसी मुलाकात हुई. आपकी सुभान से कैसे मुलाकात हुई? That's important. है ना? Yeah, that's important. सुभान लाहौर आए हुए थे किसी प्रोजेक्ट पे. आई एम फ्रॉम लाहौर बेसिकली. अब आई मूव टू कराची काम के लिए भी और शादी के बाद भी सुभान के लिए. अरे भाई ऐसा तो होता है मोहब्बत में, इधर से उधर किसी को होना पड़ता है, कभी इधर से कभी लड़की को होना पड़ता है, कभी लड़के को होना पड़ता है. तो उसी प्रोजेक्ट पे बस हम मिले और वी कनेक्टेड. पहले हम कोई 4-5 महीने वी वर रियली गुड फ्रेंड्स और उसके बाद फिर वी डिसाइडेड टू टर्न इट इनटू समथिंग. अच्छा तो वशमा भी शोबिज़ में थी? जी बिल्कुल. हम लोग जब प्रोजेक्ट पे मिले थे तो पहला दिन हमारे लिए बड़ा डिफरेंट था क्योंकि
the way we perceive it now, it's very funny actually as well. के पहले दिन मैं जब सेट पे आया था आप लोग एक्टिंग कर रहे थे मॉडलिंग कर रहे थे क्या किस तरह का प्रोजेक्ट इट वाज एक्टिंग एक प्रोजेक्ट था तो ड्रामा का प्रोजेक्ट था ड्रामा का प्रोजेक्ट तो हम जब मैं सेट पे आया तो आई सॉ के देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल शी इज ब्यूटीफुल नो डाउट माशाल्लाह और मैं आया मैंने कहा चलो इट्स गुड अच्छा द फनी थिंग इज कि इसका पूरा ट्रैक किसी और के साथ था और मेरा पूरा ट्रैक किसी और के साथ था सिर्फ एक ऐसा सीन था हमारा ड्रामे में जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी क्योंकि हम दोनों का ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट था खैर तो जब मैंने इसे देखा तो अब नॉर्मली आई डोंट इंटरेक्ट अ लॉट विद पीपल मुझसे नहीं होती इतनी ज्यादा बात तो खैर एज यूजुअल मैंने तो नहीं बात की और इसमें भी नहीं कि ऑब्वियसली वी वर अननोन तो फिर तीन चार दिन बाद किसी ना किसी तरह खाने पे जब लंच ब्रेक होता है तो साथ बैठते हैं सब तो वहाँ से थोड़ी बहुत चिट चैट स्टार्ट हुई एंड आई रियलाइज दैट शी इज अ रियली गुड गर्ल सिर्फ खूबसूरत नहीं है वैसे भी अच्छी है तो इस तरह से एक सीन ड्रामे में उसने हलचल मचवा दी एग्जैक्टली वैसे क्या होता था आप लोग आते जाते एक दूसरे को देख रहे होते थे हाय हेलो ये वाला सिनेरियो कोई हाय हेलो नहीं है सुभान हर सेट पे सिर्फ सोता है अभी इसको बहुत रोमांटिक स्टोरी बना रहा है पहले दिन ये आया इसने यूं देखा ये गया इसने देखा खाली बेड कहाँ पे मैं तो सोने आया और ये वहां जाके सो गया पूरा दिन हमारी कोई बात नहीं सबसे इम्पोर्टेंट नींद होती है आपकी लाइफ में अगर आपकी नींद पूरी है तो आप सब काम अच्छे करते हो जहाँ मौका मिलता है मैं सोचता हूँ कि आधा घंटा एक घंटा नींद में यूटिलाइज करूँ तो शादी से लाइक अब शादी जाहिर है अब हुई है उससे कितने अरसे पहले आप लोग एक दूसरे से मिले थे दो साल तो ये कहानी दो साल तक चली जी अच्छा ये जो कहानी दो साल तक चली फिर आगे कैसे बढ़ी अब यहाँ सेट पे सुभान को अच्छी लगी सुभान को अच्छी लगी थी ये और तुम्हें भी कुछ कुछ सुभान अच्छा लगा था कि नहीं नहीं ऑब्वियसली आवर फीलिंग्स वर क्वाइट म्यूचुअल और साल एक तो यही होता रहा कि सुभान अगर लाहौर काम पे आता था तो ये मुझसे मिलता था अगर मैं कराची आती थी किसी चीज़ के लिए तो फिर हम मिलते थे बट इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि मैं काम के लिए कराची ही शिफ्ट हो जाऊँ अच्छा और फिर सुभान वॉज ऑलवेज देयर और आई डोंट थिंक सो कि मेरा कराची रहना पॉसिबल हो पाता अगर ये मेरी इतनी हेल्प नहीं करते अच्छा और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जब हम लोग वो पहला प्रोजेक्ट कर रहे थे तो ऑब्वियसली हमारा ट्रैक साथ नहीं था बट सुभान आपका भी पहला प्रोजेक्ट था वो नहीं माय इट वाज माय सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट इनका पहला था नहीं मेरा भी सेकंड इनका सेकंड अच्छा सुभान तो मॉडलिंग से आए थे शो बिजनेस में आप कैसे आई थी मैं एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में थी तो काशिफ निसार वहाँ आए हुए थे अपना एक ड्रामा शूट करने अच्छा और उनके पास एक कैरेक्टर था तो उन्होंने कहा कि यार इस टाइम इसकी कास्टिंग नहीं हम कर पा रहे हैं तो अगर कोई यहीं से कर ले तो बहुत अच्छी बात है ओके तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रेकमेंड कर दिया मैंने उनके साथ वो कैरेक्टर प्ले किया और वहाँ से फिर ऑफर्स लाइक अ चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गए अच्छा तो ये बात पहले से शादी से पहले तय कर ली थी कि सुभान एक्टिंग तुम भी करोगे मैं भी करूंगी शादी के बाद ही मैंने तो पहले से यासिर को बोल दिया था कि मैं काम नहीं छोड़ूंगी नहीं आई थिंक कि जो इंसान को अच्छा लगता है वो उसे करना चाहिए और अगर इसका दिल है तो ये करे बिल्कुल वी वर ऑलवेज क्वाइट ओपन अबाउट इट कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और हमें कोई इशू है भी नहीं दैट्स गुड अच्छा अब ये तो हो गई आपसी बातें अब समाज की दीवारें भी होती हैं कभी कभार तो कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं जो और हवा देते हैं उसको है ना लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिया ही बुझा देते हैं तो ये जो मोहब्बत का दिया है ये किसने मतलब लाइक जलने दिया फैमिली होती है ना फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अच्छा जी अब शादी करनी है शादी का एक बड़ा डिसीजन होता है लाइफ में खासतौर पर जब आप लोग यंग हैं और अपने करियर के बिल्कुल आगाज पे हैं तो ये डिसीजन कैसे लिया शादी इसका जवाब मैं देना चाहूंगा प्लीज अच्छा नॉर्मली लोग आप बताते हो किसी को कि यार मैं फलां से शादी करना चाह रहा हूँ या मैं चाहता हूँ या मैं पसंद करता हूँ हमारा इस तरह का इतना नहीं था वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 years एंड वी न्यू दैट वी लाइक ईच अदर क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि आप इतना कनेक्ट किसी बंदे से कर रहे हो आपको वो इतना पसंद आ रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन तो यू नो द वाइब बट हम लोगों ने शादी का ऐसा सोचा नहीं था अच्छा. कि अब करनी है या फिर 4 साल बाद करनी है वी वर फ्रेंड्स एंड वी वर रियली हैप्पी बीइंग फ्रेंड्स
तो कराची शिफ्ट होने की वजह से नहीं कर ली शादी नहीं, नहीं। देखा, चलो यार then, मुझे नहीं पढ़ने के लिए जा ही रहे तो चलो निकाह करके चले जाते हैं। Then obviously we were friends, तो कभी किसी मेरे दोस्त से फ्रेंड सर्किल से मुलाकात हुई हम दोनों की तो दे रियली लाइक अस टुगेदर, तो वो हमें सजेस्ट करते थे यार तुम दोनों बहुत प्यारे हो शादी कर लो। यही तो करते हैं। इसी तरह फिर एक दफा अम्मी से मुलाकात हुई और मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी से मुलाकात हुई किसकी, इनकी? जी मेरी अम्मी से इनकी मुलाकात। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देन शी सॉ हर और इनके जाते ही इनके सामने तो नहीं कहा लेकिन इनके जाते ही कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ, अच्छा ये नहीं कहा कि इनसे शादी कर लो, कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो कहती है कि अब तुम हो तो तुम शादी कर लोगे तो कोई होगी मेरे साथ। मैंने कहा अम्मी मैं सब समझ रहा हूँ अच्छी तरह। अम्मियों की ना एक वो कहते हैं बड़ी तेज होती है पहचानने की, वो देखो वो गई और अम्मी को कुछ समझ आया है, है ना? ये बात है, अम्माओं को पता चल जाता है, या तो हर किसी पे शक करती रहती हैं कि वो होगी वो होगी वो होगी, या सही वाली चीज को पकड़ लेती हैं। बिल्कुल। और अम्मी का ऐसा ही था कि उनको नॉर्मली इतनी आराम से कोई समझ में नहीं आता, बट फर्स्ट मीटिंग में वो इस तरह की बात कही उन्होंने कि मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो, तो दैट वाज सरप्राइजिंग। बड़ा अच्छा एक मिलना जुलना था आंटी से, तो मैं जब भी जाती थी ना मैं भी जान के उन्हें तंग करने के लिए कहती थी टीवी से, आंटी ये भी प्यारी है वैसे ये भी प्यारी है, कहती थी नहीं नहीं मुझे नहीं ये समझ में आ रही। अच्छा ये कहानी चल रही। अच्छा यहाँ तो चले तुम्हारी अम्मी तो पट गई, अब आई इनकी अम्मी की बारी, अब क्या हुआ फिर, उनको किसने मनाया? आपको भी नहीं पता। वो मुझे भी जानने है। ये अच्छा सवाल है, अब तक नहीं पूछा मैंने। जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अम्मियों की हिस होती है बहुत तेज। बिल्कुल। अब हम लोग फ्रेंड्स थे, पिक्चर्स लगाते रहते थे, यानी मैंने अपने घर वालों से कभी कोई बात छुपाई नहीं है, तो वो ना देख के समझती तो थी थोड़ा थोड़ा कि मे बी देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, तो अक्सर कहती थी बेटा वैसे ये लड़का भी अच्छा है। मैं उन्हें कहती थी ही हैज अ गर्लफ्रेंड, मामा इसकी तरफ तो देखे भी मत, हम दोस्त हैं, दोस्त के अलावा ना कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा इन्होंने मेरी कोई झूठी-मूठी गर्लफ्रेंड बनाई, इमेजिनरी सिक्योरिटी कर दिया ना कि अम्मा इससे तो टेंशन में जा ही नहीं सकती, इससे तो जा ही नहीं सकती। ओह माय गॉड। और इवेंचुअली जब हमने डिसाइड किया कि शादी करेंगे, उससे एक हफ्ता पहले मैंने उनको कहा कि मामा वो सुभान है ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वी लाइक ईच अदर, वी वांट टू गेट मैरिड। शादी से एक दो हफ्ते पहले। इससे पहले इनकी अम्मी समझती थी कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ किसी और के साथ। किसी और के साथ? अम्मा को तुमने धोखे में रखा, बदतमीज। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर रिश्ता आया, रिश्ते आने से पहले अम्मा को बता दिया? बता दिया एकदम बॉम्ब नहीं ब्लास्ट नहीं, ऑब्वियसली इसके घर वालों को आना था तो मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसे ऐसे है ये सब है, तो वो कहती कि यार इफ यू गाइस आर हैप्पी आई एम हैप्पी। गुड। तो घर में किसी और को कन्विंस नहीं करना पड़ा, अम्माएं फिर भी काइंड होती हैं, मान जाती हैं, जो मर्द हाजरात होते हैं ना घर के फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो दोनों घरों के मर्द हजरात जो हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बाबा तो इतने डिफरेंट है ना कि रुखसती के ऊपर अम्मा शायद ना रोए लेकिन बाबा रोने लग जाते हैं, तो ही सुपर स्वीट। अच्छा तो उनको तो मनाना और भी आसान था। हाँ ना वो तो माने उसमें खुश हो। एग्जैक्टली। और यहाँ क्या कहानी है? यहाँ भी कुछ ऐसा ही था क्योंकि मेरे कोई और भाई या कोई नहीं, दे वर मतलब द मोमेंट अम्मी टोल्ड देम के मैंने सोचा है कि शी इज़ द राइट पर्सन फॉर सुभान, तो उन्होंने कहा कि आपने बात की आपने देखा है, उनको ये कंसर्न ज़रूर था कि ये किस तरह का मिजाज है, कैसी है, क्या है, अब इसी पिक्चर में तो बहुत प्यारी ही लगी उन्हें सब कोई, तो उनका ये कंसर्न ज़रूर था, उन्होंने पूछा कि कैसी है मिजाज में क्या है, तो देन माय मॉम टोल्ड देम के बहुत अच्छी है, बोलने में अच्छी है, बात करने में अच्छी है, समझदार है, ख्याल रखती है, तो then they were all so happy के चलो ठीक है। आप तो वहीं आ गए कराची अपनी, तुम लाहौर छोड़ के कराची आई हो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है? मतलब घर छोड़ के बंदा जाता है शादी के बाद तो ही एक अलग फीलिंग होती, तुम तो शहर अपना छोड़ के आई, सुबह छोड़ के आई हो। एक तो ये है कि मैं 10 साल सऊदीया भी रही। अच्छा। और फिर उसी टाइम ड्यूरेशन में मेरे फैमिली वहाँ पे थी, तो मैं एजुकेशन के लिए यहाँ भी आई। हाँ। तो मैंने काफ़ी चेंज किया है, तो आई एम गुड एट अडैप्टिंग। और सेकेंडली ये कि क्योंकि मैं एक साल पहले ही काम के लिए शिफ्ट हो चुकी थी, okay. तो मुझे इतना मुश्किल नहीं, नहीं लगा। यही एक मुश्किल है, इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं।
की ही यहाँ पे है ना, इसका काम करना पड़ता है मुझे। अरे बहुत अच्छा। काम करवाते हैं तुमसे। सुनो पानी ला दो, सुनो चश्मा ला दो, चश्मा तो खैर नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत होते हैं काम। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सारी कोशिशें ये करता है पर होता नहीं है। अच्छा। चार्ज भी लगा दोगी? अच्छा मैं इसको ये छोटे मोटे काम कह देता हूँ कि जैसे ऊपर से मेरा बैग ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, ये छोटे मोटे काम मैं ऐसे कहता हूँ कि कर दो, मेरी हेल्प हो जाती है मुझे। मैं अक्सर, क्योंकि मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि मुझे नींद ज्यादा मिल जाए। हाँ। तो मैं नींद के ना 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो वो फिर जाहिर है, फिर जल्दी जल्दी मैं तैयार हो रहा हूँ, तो कहता हूँ जाओ वो चीज ले, वो चीज ले। कहती है एक दफा में सारी चीजें बता दो, तो बार बार मुझे चक्कर लगवा। अब मैं आप दोनों की लड़ाई करवाऊंगी। इसको सोने का इतना शौक है ना। हाँ। सुबह सुबह कहते हैं क्या करे, शो डच करवाए सो जाए बेटा, और अनाउंस कर देती मैं। नहीं, जोक था। कैसा लगा? मैं अनाउंस कर देती कि हमारा आज वीक शुरू हो रहा है और हमारे फलाना फलाना कपल है, उससे मैं डिच करा, तो ड्रामा में नहीं लीजिएगा। नहीं, ये मजाक था, मजाक था। कैसा लगा मेरा? It's going to be 2 months. अभी 3 दिन बाद। यार कोई तस्वीरें वगैरह शेयर करें? ओहो ओहो, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, तो नाजरीन आपको इनकी प्यारी प्यारी सी शादी की तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखो ये बड़ा मजा आता है सुनने में, ये मोहब्बत की कहानी तो सुन ली जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं था, कोई समाज की दीवार नहीं थी, इसमें कोई ड्रामा और फिल्म नहीं बनी। एक थी, वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। ओ, आ रहा है एक ट्विस्ट। इस कहानी सुनो वीक में। आज एक प्यारा सा कपल, नौ ब्याता जोड़ी हमारे पास। कितने महीने हो गए शादी को? 2 months. 2 months. तो महीने क्या होते हैं, अभी इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और इससे मोबाइल मंगवाता है, चार्ज पे लगाता है, क्या क्या और जुर्म किए इस 2 महीने में सुभान ने अपनी बेगम पे। हाँ ये जानते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद कहानी सुनो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक नौ ब्याहता जोड़ी मेरे पास यहाँ बैठी है और फ्रेश फ्रेश मोहब्बत की कहानी। 2 साल चली ना तुम लोगों की मोहब्बत और फिर शादी में बदल गई, मतलब चली क्या, मतलब चल रही है। शादी के बाद सुनो, तुम्हें डराया नहीं कि शादी के बाद बदल जाती है इन चीज़ें? लड़के को तो बहुत डिस्करेज करते हैं शादी करने को, उसके दोस्त जो होते हैं आसपास के, कि शादी के बाद ये वाली नहीं रहती मोहब्बत और ये। नहीं, आई थिंक वो ऐसा जोक के तौर पे कहते हैं। हाँ। कि शादी के बाद बदल जाएगा सब कुछ। हाँ। और ये वो, लेकिन इन रियल, क्योंकि मेरे सारे सर्कल में मेरे दोस्तों की अभी आगे पीछे रिसेंटली शादी हुई है। ओके। एंड आई हैव सीन देम रियली हैप्पी और सीइंग देम ग्रोइंग एज वेल, क्योंकि ये दिस इज अ फैक्ट दैट दिस इज समथिंग फ्रॉम अल्लाह। ये एक वो चीज है जिससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, खुश होता है। और फिर आपकी जिंदगी में जो बदलाव आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। सिर्फ इसके मेरी जिंदगी में आने से और इसके अच्छे करने से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हुई, बल्कि ऑल ओवर द जितना भी काम है, जितनी भी चीजें हैं, सब बहुत अच्छी हो गई है। बिकॉज़ दिस इज समथिंग फ्रॉम अल्लाह। बिल्कुल। बीवी का नसीब एक दूसरे के साथ भी जुड़ा होता है, रोजी भी जुड़ी होती है, वो वाली चीज़ है। अच्छा, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले तुम कुछ कह के गए थे कि समाज की दीवार थी थोड़ी थोड़ी। हाँ, वो समाज की दीवार क्या थी? वो समाज की दीवार ये थी कि 23rd ऑफ दिसंबर को हमारा निकाह था और हमने असल में, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब हमने डिसाइड किया, कोई एक महीना पहले की बात है, नवंबर में, कि लेट्स गेट मैरिड, तो टाइम कम था और हमने सोच लिया था कि बस अब कर लेते हैं, अब क्योंकि डिसाइड कर लिया तो लेट्स नॉट वेट। अब मिड ऑफ दिसंबर और मे बी स्टार्ट ऑफ दिसंबर इसको एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ एंड विच वॉज अ रियली गुड वन। तो इसने मुझसे पूछा कि सुभान ऐसे ऐसे है, अब मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा है और अच्छा प्रोजेक्ट, तो मैं भी नहीं चाहता था कि हम लोग, मतलब दिस इज आवर करियर, और मैं नहीं चाहता था कि इसके लिए हमारी शादी शुरू में ही हिंड्रेंस बन जाए करियर के लिए। तो मैंने कहा वशमा कर लो। इसने मुझसे पूछा अगर तुम कहोगे मैं नहीं करूँगी, तो मैंने कहा कर लो। अब मैंने कह तो दिया, लेकिन अंदर से मेरा दिल भी धक 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 सीधी इसके पास आई और मैंने आके कहा कि देखो, और कोई कुछ भी कहेगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपसे मेरी रोज पहले महीने दूसरे महीने में लड़ाई होती रहेगी ना, तो फिर नहीं सॉर्ट आउट हो पाएगा। इसलिए मुझे बता दो, करना करूँगी, नहीं करना तो ये हमारा पर्सनल महीना है, मैं नहीं करूँगी। इसने कहा करो। 30th को जब हमारा रिसेप्शन था, तो 29th को भी मैं शूट पे थी और 31st को भी मैं शूट पे थी। पहली दफा कहानी सुनी दुल्हन की मैंने। और इसके अलावा एक और बहुत खतरनाक
खतरनाक बात जिससे वाकई मैं और इसके घर वाले तो बेचारे ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे। मैंने फिर अंकल से खुद पर्सनली बात की थी उसके ऊपर। तो हुआ ये कि 23 को हमारा निकाह होना था और 22 की इसकी फ्लाइट थी, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ कराची में थी, निकाह लाहौर में था। अब उन दिनों एक दिन पहले की बात है, 21 से फॉग आना शुरू हो गई लाहौर में, 21 से अब फ्लाइट डिले हो रही है। अब मैं भी थोड़ा डरा हुआ इसकी ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग। मैंने कहा वशमा किसी तरह तुम पहले आ सकते हो। इसने कहा कि सुभान तुम्हें तो पता है रिकॉर्डिंग है और मैंने डेट्स दे दी हैं। तो खैर किसी तरह कर करा के मैंने इसको मना लिया कि तुम 22 को ऑफ ले लो और किसी तरह से 21 को निकल जाओ किसी टाइम, अगर मौका मिले, वरना 22 को निकल जाओ। तो अल्टीमेटली ना ये 21 को निकल सकी ना 22 को निकल सकी, जबकि इसकी फ्लाइट 22 की प्लान थी। हम ऐसी फ्लाइट्स देख रहे हैं, टू सीट्स लेफ्ट, वन सीट लेफ्ट और खत्म, और विद इन सेकंड्स खत्म, फ्लाइट्स खत्म हो रही है, क्योंकि एक तो वो पोस्टपोन हो रही है, अगले दिन पे जा रही है, फॉग थी। 12 बजे मेरे ख्याल से फ्लाइट स्टार्ट होती थी, 6 भी नहीं, 4 बजे 5 बजे लास्ट फ्लाइट चलती थी, उसके बाद एयरपोर्ट क्लोज, 11 बजे तो स्टार्ट होती थी। अब ये ऑप्शन भी नहीं था कि किसी गाड़ी के थ्रू इसको लेकर आ जाएं, क्योंकि गाड़ी से भी आने में 12-14 घंटे लगते हैं। फिर तो खैर कर तो करा के माय डैड वाज गोइंग क्रेजी और वो मुझे बार बार कॉल करके कह रहे थे जिंदगी में प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं बेटा, शादी एक बार होती है। तो फिर हुआ क्या? तो फाइनली मायू इसका मिस हो गया, मेहंदी मिस हो गई। लेकिन क्या मतलब मायू मिस हो गया, किसका मिस हो गया? इसका ऑब्वियसली फैमिली के साथ था ना लाहौर में, 20 जब मैंने वहां पहुंचना था तो उसी रात में था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं नहीं, और लिटरली आई कांट बिलीव। ऐसा पन्ना है इनकी जिंदगी में जो लिखा जाएगा, जो आगे अब फिल्म बन सकती है, अब ड्रामा बन सकता है, ईद का ड्रामा, ड्रामा जरूर होता है। कोई डमी दुल्हन बनाई थी तुम लोगों ने माइयों की, घूंघट है, सॉरी घूंघट ना उठाई। दुल्हा वहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, दुल्हन है नहीं और सब लोग वेट कर रहे हैं कि दुल्हन कब आएगी। 23 को 3 बजे हमारा निकाह था और सुबह में 11-12 फोन पे निकाह हुआ क्या? नहीं। 1 बजे मैं वहाँ पे पहुंची हूँ। 1 बजे ये पहुंची और 3 बजे हमारा निकाह था। और सोचे एक दिन पहले मैं सोच रहा हूँ रात में कि यार मैं तो इधर आ गया हूँ लाहौर में, लेकिन मेरी दुल्हन कराची में। उससे ज्यादा मुझे माय पेरेंट्स द गॉडेस कैट, जिसे मैं फेमिलियर नहीं थी, मेरे पीछे से उन लोगों ने पिछले साल में कोई रख ली। तो जब मैं वापस गई हूँ, मेरे पास सिर्फ 2-3 घंटे थे, अपना सारा सामान कलेक्ट करना था, मेकअप के लिए जाना था, सब हो रहा है, वो बिल्ली बार बार आके ना मेरे ऊपर चलाने लगा। गॉड, मतलब ये कुछ अजीब ही सीन हुआ। तो फिर शादी फौरन हुई और उसके बाद प्रोजेक्ट वो तुमने कंप्लीट कर, फिर वो मैंने कंटिन्यू कर दिया। मतलब तुम लोग कहीं घूमने फिरने नहीं गए अभी तक, नहीं जा सके, एंड दैट्स ऑन मी। तो फिर मैं इससे लड़ भी नहीं सकती। खैर है, कभी लड़कों की वजह से होता है, कभी लड़कियों की वजह से। आइए तस्वीरें शेयर करते हैं दोनों की शादी की। हाँ, और वो माइयों भी जरूर दिखाएगा जिसमें ये थी नहीं। गाना कितना फिट बैठा है ना, वाओ जबरदस्त। अच्छा, ये निकाह और रुखसती का जोड़ा था, ये क्या था? ये रिसेप्शन का था, ये मतलब लाइक वलीमे का। वलीमे का। तो ये तुमने कहाँ से बनवाया था? काशी। कितना प्यारा बनाया है। और तैयार कहाँ से हुई थी? ये हमने इलियास से करवाया था, हमने से मेकअप आर्टिस्ट हायर किए थे इलियास से, और फिर उनसे अपनी मर्जी से हमने करवा लिया था। अच्छा 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 अच्छा। सो कितने इवेंट्स हुए थे तुम लोगों के? दो हुए थे, जिसमें हम दोनों थे वो, या फिर जिसमें हम नहीं थे वो। सारे इवेंट्स के बारे में बताओ। दो इवेंट्स,
पा रहा कि जाके सिलेक्शन कर सके, काम फिर... में लगे हुए बच्चे, हाँ तो मुसलसल काम पे लगे अल्लाह अल्लाह। अच्छा तो क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, बस काम करते रहना या फिर ब्रेक लेके जाना है घूमने फिरने? नहीं अब डेफिनेटली हम लेंगे पानी के, दुखी क्यों हो गई मैं मोहब्बत की कहानी सुन के, देखो जरा कितने अच्छे बच्चे हैं, वैसे कितने कमिटेड हो तुम लोग काम के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि तुम लोग अपने करियर को भी पूरा एक तरह से प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि ये नहीं है, शादी तो है पूरी जिंदगी चलनी है, लेकिन जाहिर करियर अब अच्छा है ना यार, मतलब दोनों उस पे उस स्टेज पे एक साथ मिलकर हार्डवर्क करोगे। अनिता आई थिंक कि जो सब हमें ओपिनियन देते थे कि अगर हम शादी किसी को पता चलता था नॉर्मली हाँ. हम डिस्कस नहीं करते थे अपनी पर्सनल लाइफ, लेकिन अगर किसी को पता चलता तो कहता था यार शादी मत करना हाँ. तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। नहीं यार अगर करियर की बात होती थी मतलब तो वो भी सब कहते थे इस पे फोकस करो अभी ये ना करो, अब जब हो गई शादी तो सबने कहा ये छोड़ दो ब्रेक ले लो घूमने चले जाओ, पर हमें लगता है ये म्यूचुअली कि कोई भी चीज़ जो है ना वो आप अकेले नहीं कर सकते, मतलब इट गोज हैंड इन हैंड, बिल्कुल आप साथ में अपना रिलेशनशिप भी चलाएं हाँ। शादी भी चलाएं, मतलब जो आप कर सकते हैं वो साथ साथ ही हो सकता है। बिल्कुल ये भी अपॉर्चुनिटीज होती है ना हाँ। अच्छा प्रोजेक्ट मिलना हमारे तो exactly. काम में यही है, जॉब तो है नहीं वो वाली चीज। अब ऐसे हम बैठे रहेंगे तो हो सकता है अगले 3 साल हमें कोई प्रोजेक्ट ना आता, हम शादी हाँ। को डिले करते रहते, बिल्कुल या हम चले जाएं और बाद में हमें वो प्रोजेक्ट वाइज जिंदगी एक्चुअली प्लान होके होती भी नहीं है, यही होती है कि जो चीज मिले उसे ग्रैब कर लो और फिर वो लिव द मोमेंट वाली बात अल्लाह की तरफ से होती है वो चीजें सारी जो बनती है वो वाली चीज। सो जैसे तुम लोगों की कहानी है, अब जाहिर है तुम तो एज ड्रामो में आते हो तो लोग तुम्हें पहचानते हैं, तुम लोगों को याद है एक मैगजीन आता था और उस मैगजीन के एक पेज होता था जिसमें दुल्हा दुल्हन की शादी की पिक्चर्स हुआ करती थी, yes, याद है yes. मुझे इतना अच्छा लगता था देखना कि दुल्हा कैसा लग रहा है, दुल्हन कैसी लग रही है, बड़ा कैसा जोड़ है, करती थी ये देख के। तो हमने वही मैगजीन का पेज समझे यहाँ पे हमने कहानी सुनो के लिए हमने बिठा दिया एक सोफे पे, हमारे हमारे हर रोज जो जो कपल्स आएंगे या जो जो आके अपनी मोहब्बत की कहानी कोई सेलिब्रिटी सुनाएगा तो सामने एक आम कपल होगा जिसको अपनी कहानी सुनाने का मौका पूरी दुनिया के सामने मिलेगा कि उनकी मोहब्बत या उनकी शादी कैसे हुई, वो कैसे एक दूसरे से मिले। सो आज वो आपके सामने भी अपनी कहानी सुनाएंगे और सबके सामने अपनी कहानी सुनाएंगे। सो आइए जैन और हिरा की कहानी सुनते हैं उनकी ज़बानी। आइए जी कहानी सुनो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जैन और इरा हमारे साथ है, प्लीज बैठे। आपको भी ये पता है मेरा ये एंगल अच्छा है, मेरा बीवी को वहां बिठाना। आप लोगों की शादी को कितना अरसा हुआ है जैन? 5 years। 5 साल? This month, ये लोग तो पुराने हैं। ये लोग तो पुराने ये सीनियर है। अच्छा इनकी जो शादी की कहानी थी, इनकी जो मोहब्बत की कहानी थी उसमें समाज की दीवार नहीं थी, सिर्फ इनका काम की दीवार थी, रिकॉर्डिंग की दीवार थी। आप लोगों की जो शादी है या आप लोगों की मोहब्बत है वो कैसे हुई? शादी अरेंज है? आप बताना शुरू करें। शुक्र है मेरे मुंह में आ गया कि आप लोगों की मोहब्बत अरेंज है या फिर ये वायरल होता। मैंने अपने आप को रोका क्योंकि बहुत मैं बहुत कॉन्शियस हो गई। आप देखिए मैं बड़ा कॉन्शियस होकर शो कर रही हूँ कि मेरी ज़बान से कुछ और डबलिंग ना हो जाए। एक्चुअली ये मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। और वहाँ से मैं अपने भाई का नंबर यूज़ कर रही थी एंड ही ट्राई टू अप्रोच मी, फिर वहाँ से कंटिन्यूस मैसेजेस के नाम तो बता दें, अपना नाम तो बता दें। मेरा भाई यूएई मूव हो रहा था, उसकी सिम मेरे पास थी। अच्छा। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ, जबकि ही वॉज प्रीवियसली एंगेज्ड बचपन से रिलेटिव्स में हाँ। तो फिर वहाँ से ऑलरेडी इनकी खत्म हो गई थी, फिर जमीन नहीं तो फिर असल में मैं बचपन से ही ऐसा था कि मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। मतलब आप बचपन से ऐसे थे क्या? मतलब कि बचपन से आप प्यारे थे? मतलब कुछ मतलब तो समझ आया। बचपन से ऐसा था कि ऐसा था कि मेरी एंगेजमेंट मतलब बचपन से ही हो गई थी। हैंडसम थे या क्या? हां बचपन में तो इनको थोड़ा गरूर है कि मैं बहुत हैंडसम था। नहीं इतना भी नहीं, लेकिन मेरी शादी मतलब मेरी जो एंगेजमेंट थी मतलब बचपन में ही हो गई थी। क्यों हो गई थी? वो जो होता है बचपन में नानी या दादी कर देती है, वो कर दिया था किसी तरह कि हमारे ददियाल के अंदर ना हाँ। तो शादी होगी इनके आउट ऑफ फैमिली शादी होती नहीं है हमारी। मेरी शादी जो है मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बैठे ना कि अब कैमरे में भी तो नजर आए नाराज क्यों नहीं सीधी बैठे सीधी हाँ, अब ऐसे
सीधा स्टेटमेंट लग रहा है शादी के स्टेज पर ही बैठे हो थोड़ा सा फील आ रही है वैसे ही कर रही हूं हां नाराज नहीं हूं नहीं नहीं अच्छा तो आपकी कौन सी उम्र में हुई भी थी जैसे कहते हैं बचपन में 5 साल की उम्र में कर दी थी जब मैं पैदा हुआ था हां उसके मतलब 2-3 साल बाद मैं आई गेस 5 साल बाद जो मेरी नहीं हुई मंगेतर वो पैदा हुई थी कजन कजन हां तो तब हमारे मतलब पेरेंट्स ने बोला हां भाई ये तो हाँ मतलब इंगेज दे मतलब ये क्योंकि आउट ऑफ फैमिली शादी होती ही नहीं है तो सबकी आपस में ही हुई हुई है तो कोई भी आउटसाइडर है ही नहीं तो फिर मेरी शादी फर्स्ट हुई क्योंकि मैं बाहर से असल में फिर मेरी अब देवरानी आई है आउट ऑफ फैमिली वरना कोई भी नहीं है अब वो जो आपकी एंगेजमेंट आपने तोड़ दी तब ये दुनिया में नहीं थी दुनिया में थी नहीं दुनिया में थी मतलब आपकी दुनिया में मेरी दुनिया में इनके रडार में नहीं क्योंकि मैं मेरा फ्रेंड एसन नाम है तो हम लोग साथ मेरा भाई घूमते फिरते थे मतलब मुझे भी नहीं पता था मुझे पसंद आएगी एक्चुअली ना ये स्टार्ट इस तरह हुआ था कि ईद पे वो हमारे घर आए हुए थे हमारे ड्रॉइंग रूम का गेट खुला था मैं ये अगर इसका रिश्ता जैन के घर से आया ना तो ये तो मेरी बहन ही नहीं है तो मैंने कहा मैं तो देखा भी नहीं है उसको गौर से तब मैंने गौर से देखा मैंने कहा यार क्यों घूर क्यों रहे थे ये आपके भाई के दोस्त हैं हाँ सही है ईद पर आए हुए हाँ ईद पे सवैया खाने आए हुए सवैया खाते खाते हल्की सी नजर उठी ड्राइंग रूम और खुला आपके भाई को ऐसा लगा कि आपको ताड़ रहे हाँ एग्जैक्टली वर्ड ताड़ रहे ताकि पब्लिक को समझ लो सही है और भाई को थोड़ा सा गुस्सा आया भाई ने दोस्त को तो कुछ नहीं कहा लेकिन जाके मम्मी को कहा अगर इसका रिश्ता है ना मेरी बहन के लिए तो वो मेरी बहन नहीं खुद ही कहानी बना उसको ना ये लग रहा था कि मतलब दोस्त मेरे मेरे लिए नहीं आ रहे मेरी बहन के लिए मेरे घर आ रहे तो उसको ऐसा बुरा लग रहा था ऐसा था उस वक्त हाँ था क्या हुआ समाज की दीवार क्या वो भाई जो पक्का दोस्त था वो बना लेकिन उसने बहुत सपोर्ट किया आप ब्रेक में जा रहे रुक जा बहन पूरी सारी सस्पेंस खराब कर दिया कैसी कहानी सुनाओगी तुम कोई बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद आइए इनकी जिंदगी में समाज की दीवार कौन था इनकी मोहब्बत कैसे हुई ये वही है अखबार जहां का पेज देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं कहानी सुनो वीक और यहाँ सुभान मिस्टर मिसेस सुभान की कहानी तो सही अच्छा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है ना मिस्टर मिसेस सुभान की कहानी आपने सुनी और अब हिरा एंड जैन की कहानी हम सुन रहे थे और कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि हिरा के भाई जो हैं ईद पर जब जैन घर में आए दोनों दोस्त थे भाई और जैन और सवैया खाते खाते उनकी नजर पड़ी हिरा के ऊपर हिरा तुम क्या कर रही थी वहाँ हम लोग रेडी हो रहे थे दावत में जाने के लिए ड्राइंग रूम का जैसे ही गेट खुला तो मुझे तो नहीं पता है कि सोफे पे बैठे हुए कोई मुझे देख रहा है और फिर वहां से जब उसने अंदर आके बोला कि अंदर जाओ कॉरिडोर में नहीं खड़ी हो अंदर जाओ तो मतलब उसने नहीं तुम्हारे भाई ने बोला कि अंदर जाओ यहां अंदर जाओ क्योंकि मेरी कजिन भाई ने देख लिया जैन को अपनी बहन को देखते हुए फिर क्या हुआ तो उसने मुझसे पूछा कि इज देयर समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू बोथ मतलब उसने नहीं आपके भाई का नाम क्या है एसन क्योंकि उसने और वो और किसी को तो नहीं पता ना एग्जैक्टली एहसन जो आपके भाई हैं उन्होंने आपसे पूछा कि कोई गड़बड़ है हाँ, ये तुम्हें क्यों ताड़ रहा है मैंने कहा ये तो फिर उससे पूछना चाहिए कि वो मुझे क्यों ताड़ रहा है तो फिर जैन आपसे पूछा इनके भाई ने कि नहीं नहीं मुझसे नहीं पूछा असल में थोड़ा हमारे बीच में डिफरेंस आ गया जिस तरह पहले हमारी फ्रेंडशिप थी थोड़ा घर आना कम कर दिया आपकी इसी वजह से इनकी बहन को देखने की वजह से डिफरेंस आ गया उसने ऑब्जर्व कर लिया था ना मतलब जिस तरह देख रहा अब उन्होंने घर बुलाना छोड़ दिया लेकिन मैं फिर भी जाता था किस बहाने से जाते थे आप मतलब हम फ्रेंड्स थे हम मिलते थे और उसके बाद फिर वो जबरदस्ती गए थे तो फिर उसके बाद तो वैसे ही आना जाना बंद हो गया था वो यूएई मूव हो गए थे तो फिर उसके बाद तो वैसे ही आना जाना बंद हो गया ठीक है पर फिर आप किस बहाने से जाते थे अम्मी ने लड्डू भेजे नहीं नहीं लड्डू नहीं भेजे थे अम्मी ने वैसे ही आंटी से जो सवैया खाने अम्मी आपने आप कहते होंगे आंटी आप मेरी बिल्कुल अम्मी जैसी है और आपका बेटा चला गया तो चले मैंने कहा आपको मेरी अम्मी पर्सनली बहुत लाइक करती है जैन को मतलब वो शुरू से ही बहुत लाइक करती थी अच्छा। तो वो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ उस टाइम पे भी तो ऐसे ने जब तो भाई हुए ही चले गए हाँ और भाई के दोस्त आते जाते रहे नहीं नहीं इनका ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था जो सिम थी ना उस पे ही यूज्ड टू कॉल मी रेगुलरली कि नाम तो बता दे अपना नाम तो बता दे जबकि ही उनको पता था मेरा नाम क्या है और ये मुझे अलग-अलग नाम एक मिनट भाई वही चले गए हां सिम मेरे अपने सिम
आपको दे गए पास थी और उस सिम पर भाई के नंबर पर आप एसएमएस करते थे कि क्या कहते मैं इनसे पूछता था कि अपना नाम बता दे मुझे पता था इनका नाम तो ये हमेशा मुझे अपना नाम गलत बताती थी रुकैया ये अजीब अजीब नाम तो मैं बोलती थी कि मेरा नाम आपको पता था यही है वो जो पूछ रहे हैं हां क्योंकि नाम तो सेफ था तो आप में इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था आपको मैं उस टाइम पे सोच नहीं रही थी कि रिलेशनशिप या शादी क्योंकि मैं जॉब कर रही थी और फिर थोड़ा फोकस था कि कुछ चीजें करनी थी लाइफ में बहुत सीरियसली फिर क्या हुआ फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि आस्क हिम कि अपनी अम्मी को लेकर आओ इतने सीरियस हो हाँ, तो लेकर तो आओ जरा अपनी अम्मी को तो मैंने जब उनको कहा कि ठीक है अगर इतना ही सीरियस है ना तो ठीक है अपनी फैमिली को लेकर आ जाओ मैं अपनी अम्मी को बोल देती हूँ हाँ, तो फिर विद इन वीक ये अपनी अम्मी लोगों को ले आए थे ये तो तैयार बैठे हुए थे आपने घर में बता दिया था उस वक्त जो है मेरे जो बचपन की एंगेजमेंट थी वो खत्म हो गई थी तो फिर घर वाले मुझसे नाराज थे क्योंकि इस तरह का माहौल बन गया था तो फिर मैंने अम्मी से बात की थी मैंने बोला इस तरह लड़की है ठीक है मेरी वाली शादी ख़त्म हो गई है इंगेजमेंट तो मैं इनको पसंद करता हूँ आप चलें बात बात करें अब्बू मुझसे नाराज़ थे मेरा ददियाल जो है सारा वो मुझसे सब नाराज़ थे पूरा खानदान हाँ और इस बुरे मतलब मुश्किल वक्त में आपने उनको कहा दूसरी जगह करो तो फिर मैंने उनको काफी बताया मतलब हफ्ते डेढ़ हफ्ते दो क्या बताया खिदमत गुजार लड़की है बहुत ख्याल करेगी नहीं वो तो है माशाल्लाह अम्मी को कैसे पटाया अम्मी को मैंने बताया था कि देखिए मेरा खत्म हो गई है मुझे आगे तो कहीं करनी है शादी वादी अम्मी ने इनके फ्रेंड्स को अपने घर बुलाया था और वो ये बात भी मुझे पता लगा कि उन्होंने इनको सारे दोस्तों को बुला के फिर पूछा था कि कैसी लड़की है हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी नहीं होगी तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की थी और ये हमारी कभी मुझे नहीं पता थी। हाँ, ये कि मेरे सारे दोस्त मेरे घर पे आके इनका अम्मी है ना बहुत तेज है वो बता सकती है अच्छा तो वो बहुत उन्होंने बहुत सपोर्ट फिर कितना टाइम लगा एक साल बाद हमारी शादी हो गई थी मेरी बहन की डेथ हो गई थी उसकी वजह से डिले हुआ था वरना तभी हो जाती तो रिश्ता लेने आए थे तो कोई वो तो नहीं दिखाया भरम तो नहीं दिखाया नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ऐसे ही मिली थी तो वो मुझसे ज्यादा हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी इनकी इमीडिएट फैमिली बहुत कोऑपरेटिव थी लेकिन जो बाकी रिलेटिव्स थे उनको तो बहुत टाइम लगा मुझे एक्सेप्ट करने में शादी पे भी बहुत अजीब अजीब मुंह बना रहे थे तो वो काफी अजीब सा था मुझे खुद भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा था सुनो बाजी ये शो जो है ना वो देख रहे हैं खानदान पूरा हाँ नहीं अब सब देख रहे हैं एक्सेप्टेंस वापस चली जाएगी अभी दोबारा मुंह ना बनाए सोच लो नहीं उनको ये था कि उनकी फैमिली में कभी कोई बाहर किसी की शादी हुई नहीं थी हाँ। तो उनके लिए बहुत अलग चीज थी कि भाई खानदान से बाहर क्यों कर दी खानदान में इतनी लड़कियां थी वहां क्यों नहीं किया तो वैसे ये क्या बात है अच्छा खानदान का एक और चक्कर था ना मतलब सबको पता था मेरी बचपन में एंगेजमेंट हो गई है तो मुझे अप्रोच ही नहीं करता था कोई बेचारा उसको डरता वो कमारा मर जाएगा उसने कहा भाई है टूटते ही कहा कि वो एक अवेलेबल है एक ऑप्शन है देखिए चेक करें मेरी नंद ने मुझे वलीमे के नेक्स्ट डे पर कहा कि यार तुम्हारे रिलेटिव्स काफी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है तो उसने कहा मैं एक बात बता देती हूँ जैन भाई को नहीं बताना मैंने कहा क्या उसने कहा वो इंगेज थे बहुत इस तरह का सीन था तो इसीलिए सब बहुत ऑकवर्ड तो मुझे तो इतना गुस्सा आना स्टार्ट हो गया मैंने कहा कि अब मैं पुरानी वाली से भी मिली पुरानी वाली शादी में आई थी मैं शादी में तो कोई भी नहीं आया था शादी में हमारी कोई फूफो नहीं आई थी हमारे कोई चाचा नहीं आए ऑलमोस्ट कोई ज्यादा ददियाल वाले नहीं आए थे क्योंकि पैसे बचे खाना बचा ना नहीं बचा तो तब भी खा लिया लेकिन झगड़े नहीं हुए ना फिर जब कोई आया ही नहीं तो नहीं झगड़े हुए तभी तो नहीं आए शादी में भी बेटा अलग झगड़े होते हैं अच्छा उससे बच उनको नहीं बुलाना मेरे मुझे पूछा क्यों नहीं ऐसा होता है होता ना? है देखो ये तो अपनी माई और मेहंदी में नहीं थी हाँ। अनोखी शादी ये तो आप कहानी सुनो वीक की पहली हाँ। कहानी आप देखें इनकी ज्यादा ही नहीं थी सुनो तुम आइंदा जब शादी कुछ साल बाद ताने मत देना क्योंकि लड़कियां ताने देती हैं तुम तो वलीमे की सुबह उठ के ही चले गए थे काम पर मेरी अम्मी अब्बा को पूरी जिंदगी ताने देती गई आ चुका है ये ताना आ चुका है कोई 4-5 दिन बाद ऐसे बैठे हुए बड़े आराम से सुनो क्या हुआ तुम तो इतना बिजी हो गई हो कि अब मुझे भी टाइम नहीं देती हां हां तो ये अच्छा, तो है
उससे एक दिन पहले ना इसने मुझे जो दोस्तों में जाना था ऐसी, तो इसका दिल चाह रहा था कि हम लोग थोड़ा और टाइम, हमें टाइम नहीं मिल पाता ज्यादा काम की वजह से, तो बाकी हम लोग को जेन्युइनली कम टाइम मिलता है आपस में गुजारने का. तो एक दिन पहले इसने मुझे कहा कि तुम दोस्तों में नहीं जाओ, हम लोग कहीं चलते हैं ना. तो उस दिन जो भी हुआ पता नहीं लेके गया नहीं लेके गया रुका, लेकिन अगले दिन मुझे ये पता था कि इसने मुझे कल बोला कि दोस्तों में नहीं गए जाओ तुम. तो मैंने बोला कि तुम क्यों गई थी रिकॉर्डिंग, मुझे बताओ. ये शुरू हो गई ना तू मैं. अच्छा मतलब कपल्स की जुबानी तो उनकी मोहब्बत की कहानी सुनने में मजा आता है. कितना मजा आए ना अगर सास आए और वो अपने बच्चों की मोहब्बत की कहानी सुनाए, है ना. तो इस कहानी सुनो वीक में आपको वैरायटी मिलेगी, कहानी सुनाने वाले अलग अलग होंगे. सो आइए वेलकम करते हैं सास तैयबा हैं और उनके बेटे जो हैं जहन है और उरूज उनकी बहू हैं. आइए प्लीज वेलकम करते हैं सास, सुनाएंगी अपने बेटे की मोहब्बत की कहानी. आइए प्लीज बैठे तशरीफ रखिए. ये सास है, ये उनके बेटे हैं जहन और ये उरूज हैं उनकी बहू. जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है. लोग कह रहे होंगे निदा को क्या हो गया ना, मोहब्बत की कहानियां भी अम्मा अब्बा से सुन रही है. तो कही है ना इसे आम करते हैं इस चीज को. तो जी क्या है, कितना अर्सा हो गया आपकी बेटी को और आपकी बहू को शादी के बंधन में बंधे हुए? पाँच साल या पाँच महीने? पाँच साल. तुम लोग बहुत नए हो, बहुत कुछ सीखोगे हमारे प्रोग्राम में. हम चले जाएं, पाँच साल बाद आएंगे. पाँच साल बाद भी आना. अच्छा जी कैसे इनकी कहानी कहाँ से सुनाना शुरू करेंगी? इनकी कहानी इस तरह है कि हम लोग जामशेरों में हैदराबाद में रहते थे. अच्छा. वहाँ रिहायश पजीर थे, वहाँ उस पर मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा. हाँ. बस उसके बाद जो है ये थोड़े बड़े हुए तो अब कराची आ गए पढ़ने के लिए, अपना पढ़ने के साथ. अच्छा, साथ पढ़ने के लिए कराची नहीं, पूरी फैमिली उधर. हम लोग हाँ वहीं थे, फैमिली हमारी वहीं थी. ये आए थे मैट्रिक मैट्रिक के बाद, मैट्रिक के बाद जो ये कराची आ गए थे. ठीक है. अकेले रहते थे जब? चाचा के घर, चाचा के घर रहते थे ये. ठीक है. बस पढ़ाई करते करते साथ साथ कुछ टाइम गुजरा, दो चार तीन साल दो साल ऐसे. उसके बाद फिर इनकी जो है ये जॉब करने लग गए. अच्छा. जॉब कर रहे थे साथ साथ ही. उसके बाद इनको फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारी जॉब कर रहे थे तो फिर बोल ही नहीं पा रही, बोल ही नहीं पा रही कि फिर इनको जाहिर है पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि अब अपने रिश्तेदारों में फैमिलीज में. हाँ. लड़की देख रहे थे भाई मेरी, देखना है जाहिर है अब तो टाइम हो गया है बेटी की बात पक्की करें. भाई ख्वाहिश होती है माँ को, शौक होता है, एक ख्वाहिश होती है बाप से ज्यादा माँ को होती है. एग्जैक्टली. तो बस देख रही थी लड़की. कैसे देखती थी आप, तस्वीरों की तस्वीर? नहीं वैसे ही, खाना नहीं वैसे ही, नहीं नहीं ऐसे नहीं. तस्वीरों में भी देखी, रिश्तेदारों में भी कहीं नजर आ गई शादी में. हाँ. या इस तरह माइंड में था कि अलग साइरन बजने लगता है ना, एक सेंसर होता है जी. जिसका बेटा है आंखें ये वो टेढ़ी मेढ़ी उधर बनलाती है लड़कियों को. तो आप भी इसी तरह ढूंढ रही थी? कुछ इसी तरह ही, मतलब कि भाई अच्छी मिजाज की हो. जैन को पता था कि आप ढूंढ रही हैं? नहीं नहीं जैन को नहीं पता था. जैन को मैं अपने तौर पे नहीं, मुझे मुझे पता लगने लगा था ऐसे ऐसे कुछ टाइम बाद इनको लगने लगा था. क्योंकि इन्होंने कहा ऐसा कि जो है ना वो मैंने कुछ देखा है, तुम्हारी लड़की देखी है, तुम बताओ. हां मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल से इन्होंने भी बताया मुझे, बकायदा कमिट हो गया था. अच्छा पीछे ये एक बात कर चुकी थी ना, और प्लस मैं अभी मैं चुप था बिल्कुल. और ये पीछे किसी से बात कर चुकी थी, दोस्त की बेटी थी. अच्छा, दोस्त की बेटी मैंने अपनी फिर फ्रेंड की जो बेटी है उनको पसंद कर लिया था. अच्छा. उनसे कमेंट कर लिया था कि भाई मुझे पूछे बगैर, पूछे बगैर इतना आपको अंधा एतमाद था अपने बेटे पर. बगैर जो है ना मैंने कमेंट कर लिया था, मैं मुतमईन थी. तो जो चीजें मैंने उनमें पसंद की थी तो वो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब ये अपनी छुट्टी पे आएंगे तो मैं इनसे बाय फेस बात करूंगी, कॉल. अच्छा. पे नहीं करूंगी, बाय फेस करूंगी. फिर जब मैंने की तो ये इग्नोर इन्होंने कर दिया. अच्छा. रिस्पॉन्स ही नहीं दिया मेरी बात का, सुनी सुनी कर दिया, रिप्लाई नहीं दिया. फिर इस तरह कुछ टाइम गुजर गया, नेक्स्ट टाइम ये आए छुट्टी पर, फिर इस तरह हो गया. फिर कुछ और टाइम गुजरा, फिर भी मैंने बात करना चाही, फिर इग्नोर कर. मैं देखती थी कहीं ये इन्वॉल्व हैं, मैं देखती थी कहीं ये हैं, मगर मैं खामोश थी.
कॉल भी उठा ली थी, कॉल फिर एक दफा जो है कॉल आई तो व्हाट्सएप पे कॉल आई तो ये आए हुए थे हैदराबाद आए हुए थे छुट्टी पर, छुट्टी पर आए हुए थे, थोड़ी लंबी छुट्टी पर आए हुए थे, तो मैंने कहा कि अब तो इनसे बात करनी है भाई, अब तो टाइम गुजरता जा रहा है, अब तो मुझे बात करनी है। तो जब मैंने बात करने की कोशिश करी तो फिर उसी दौरान मुझे जो है ना कॉल आ गई, इनके पास कॉल आ गई, तो ये लेटे हुए थे, इनकी कॉल आ गई, तो नाम भी लिखा हुआ था, पिक्चर भी थी, तो मैंने देखी, मैंने कहा ये तो है भाई बात, कोई ना कोई दाल में काला है, पूरी दाल काली निकली। जो है कॉल आने से दाल में कैसे काला हो भाई, जाहिर है कॉल आ गई तो मुझे कुछ, क्योंकि मैं देखती थी ना ये मैसेज में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज में बात कर रहे हैं तो जाहिर है शक हो गया था ना। उन्होंने उठाई कॉल, कॉल उठाई, उन्होंने कॉल उठाई है और आगे से इसने आवाज सुन के इन्होंने रख दी थी कॉल, ये हो गया शक, कॉल रख दी थी, तो मुझे ये कंफर्म हो गया ना, मुझे यकीन हो गया कि अब तो है, रखनी नहीं चाहिए थी बात कर लेनी थी, स्पीक का नाम पकड़ाई सुनोगी को ना चाहिए, पकड़ा कैसे अम्मी ने बेटे को, पकड़ा कैसे। जब मैंने इनसे पूछा फिर बाद में जब ये उठे फिर मैंने इनसे पूछा तो ये घबरा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे, ये भी एक ट्विस्ट है ना। अच्छा मैं भी अपने घर की बड़ी थी और ये भी, ये तो इधर मेरे रिश्तेदार थे अब्बू के डैड के पास, सबका बहुत फैमिली का वो था, बड़ी बेटी है शादी करो शादी करो। मैंने कहा जैन क्या करना है मतलब अब आगे। अच्छा हम लोग साथ जॉब करते थे ऑफिस में, ये इतने मासूम लगते थे ना ऑफिस में भी, सब समझते थे नहीं यार इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, सब कहते यार अब तुम भी कोई बच्ची बच्ची कर लो अकेले फिरते, अब मैं यूं देख रही होती थी यार मतलब ये बंदा इतना ढीप है, ये एक बंदी लेके घूम रहा है और सब कह रहे हैं तुम कुछ कर लो यार, मोबाइल और छोटा वाला मोबाइल था कीपैड वाला। मैं समझी नहीं मतलब कि इनको लोग समझते थे इनका तो रिलेशन नहीं है और अभी भी यही समझते हैं, अभी भी यही समझते हैं बहुत से लोग कि सगी माँ ने उनको ये समझा कि मेरे बेटे को कमिट कराई कहीं मेरे बेटे का, और वैसे नजर भी थी साथ की, रिश्तेदारों में नजर भी थी बेटे पर मेरी, मासूम नहीं बोलो ना पसंद भी करते थे हम इसको बेटी दे दें, हम इसको बेटी दे दें, रिश्तेदारों में ये भी था। ये तो तुम लोगों ने कहानी सुना दी, तुम लोगों ने आपस में कैसे मिले थे? यही हुआ ना, हम लोग ऑफिस में थे तो एक्चुअली उस दौरान मेरे फादर की डेथ हुई थी, वो एक जो उस टाइम एक मोरल सपोर्ट और वो वाली चीज चाहिए, तो ये बहुत केयरिंग और लविंग था, तो ये हुई ना बात, तो बहुत अच्छा सपोर्ट, क्योंकि मैं मेरा एक छोटा भाई था तो मेरे पास ऐसा कुछ ऐसे अच्छा कोई सपोर्ट में नहीं था, तो इसने बहुत पॉजिटिवली कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा, अच्छी दोस्ती फिर वो, और हम लोग का रिलेशन भी कोई इतना टाइम नहीं रहा, हम लोग अपनी फैमिली के बड़े, फैमिली के बड़े थे, मेरी अम्मी को भी उधर शक था, तो अम्मी ने एक दिन मुझसे पूछा भाई कौन है, मुझे बहुत अजीब लगा यार ये कैसे सवाल अम्मी ने पूछ लिया, क्योंकि मैं जॉब से आके अपना रेस्ट कर रही होती थी और उसमें टेक्स्टिंग कॉल, इन्होंने कोई कोई ऐसी कुछ चोरीपन की बात नहीं, नहीं 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 मैं तुमसे मोहब्बत है मैं तुम्हारे पे ये रह नहीं सकता, कोई ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे ही आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है डेवलप हुई, तो मेरी अम्मी ने भी कहा कि भाई जो है मिलवाओ देखेंगे, फिर माशाल्लाह हम लोग जब ये लोग फर्स्ट टाइम वो तो एक बहुत मजे की कहानी, अभी अपने घर में डिस्कस नहीं कर पा रहे यार यहाँ पे, तो ये सारी, और ये घर के बड़े, इनकी ना बहन 9 ईयर्स का डिफरेंस है, उसे शक था कि यार भाईजान का ना कोई सीन है, मैंने इन्हें शायद मैंने इन्हें कार्ड बना के दिया था एक ना बर्थडे का था ना आई थिंक, दिल वाला कार्ड ना ना दिल पे खंजर लगा होता है, ये भी खंजर नहीं लगा था, खंजर लगे ही नहीं ना पहले नहीं मट गई कहानी। अच्छा तो उसने वो कार्ड देख लिया, फिर एक दिन ना ये लोग सब खाना खा रहे थे तो इन्होंने गलती से उसको माहिन नाम है उसका, माहिन की जगह उरुज ये देना, तो वो एक सबसे बड़ा सीन नाम ले लिया, तो मैंने माहिन की जगह उरुज को नाम मतलब उरुज ये पास करना होगा बस साइलेंस मुश्किल आ रही है कोई, हमने मतलब इन्होंने हमें कहा जब बता मुश्किल नहीं जैसे कि अब रिश्तेदारों की बात होती है हमें पसंद नहीं आना, मतलब एक ही नजर में हमने हाँ कर दी, आपको पसंद आ गई, पसंद आ गई क्योंकि हम लोग की भी फैमिली छोटी थी, पसंद आ गई, बॉन्डिंग बहुत, हस्बैंड ने भी कुछ नहीं बोला कि भाई डिस्कस होता है कोई मुश्किल हो रही है हमें फैसला करने में, वाकई में लड़का लड़की राजी राजी फिर क्या करेगा काजी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी हुई आपने अपनी दोस्त की बेटी के लिए फिर क्या, फिर भाई वो तो लड़ाई आज तक बातचीत नहीं है, बातचीत कर ले क्या मतलब है, उनके बेटे का कसूर है इनका तो कोई कसूर भी नहीं है, बहुत मुश्किल से मैंने उसको बताया, दिल मजबूत करके बहुत मुश्किल से बताया, बताया नहीं जा रहा था कि कैसे उसको
नो करूँ, बताया नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। शादी में भी बुलाया था लेकिन उन्हें बुलाया था बिल्कुल भी। आए थे कहाँ से आएंगे जब बातचीत ही नहीं है तो कैसे आएंगे। लेकिन लोग अभी तक पूछते हैं, हमें यकीन नहीं आता जैन ने पसंद की शादी। टीवी पे बुला के दिखा दी, यकीन आ गया, देखें शादीशुदा है ये, बीवी है ये इनकी, दो बच्चे हैं, सास ने कहानी सुनाई है और इस मासूम चेहरे के पीछे ना जाए वो। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपने कहानी सुनाई और इनको एक्सेप्ट किया। नहीं माशाल्लाह हम लोग का बहुत अच्छा, एक्चुअली हम लोग जो है ना नेचर भी बहुत मिलना, घूमना फिरना, घूमना फिरना, जो इन्हें शौक थे और वो सब हम लोग से बन गई। हम लोग के स्टार भी सेम है, कैंसर है। अरे भाई 5 साल बाद सास और बहू में ये रिसर्च मेरी थी, स्टार्टिंग में हमारी मतलब बॉन्डिंग अच्छी थी, हमारी मेरी रिसर्च थी ना, पहले मैंने रखा हुआ था कि सारी चीजें सेट करता हुआ लाना था, जब मिलाया सब कैंसर को पसंद करना है भाई, कैंसर के अंदर दिल जो मेरे दिल में बात होती है वो इनको पता चल जाती है। हां मैं कहती हूं आप नहीं बोले, मुझे पता है क्या पता है इनको। गुड गुड, सही है भाई सही है, मासूम शक्ल का बड़ा फायदा होता है, मैंने तो बड़ा फायदा उठाया मासूम शक्ल का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहानी सुनो वीक देख रहे हैं आप, और अलग अलग मोहब्बत की कहानियां आपके सामने यहाँ आ रही हैं। इस क्यों ना हम कोई कहानी खुद डेवलप करने की कोशिश करें, ये 3 कहानियां तो आपने सुन ली, क्यों ना हमारे शो से ही कोई मोहब्बत की कहानी डेवलप हो। अल्लाह कितना अच्छा लगेगा कि मैंने कराया ये रिश्ता, मेरी वजह से हुआ ये रिश्ता, मैंने बीज बोया ये मोहब्बत का, नाम लिखा जाएगा सुनहरे हरूफ में मेरा। वैसे तो पता नहीं कहाँ कहाँ नाम लिखा गया, अल्लाह रहम करे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद देखते रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। किस बात की भाई, शादी की नहीं अभी, एक मिनट। कराची किंग्स मैच जीत गया, और मैं आपको बताती चलूं कल कराची किंग्स ने 67 रन से शिकस्त दी है लाहौर कलंदर को। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। और कराची किंग्स के स्पॉन्सर कौन है अब मैं जरा बहुत जोश से बताऊंगी, क्योंकि कराची किंग्स के जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें नाम शामिल है 1x बैट, टाइटेनियम स्पॉन्सर है, बैंक इस्लामी प्लैटिनियम बैंक बैंकिंग पार्टनर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, GFS GFS हाउसिंग पार्टनर है, GFS नॉर्थ टाउन रियल स्टेट पार्टनर है, ARY लगुना DHA सिटी कराची और ARY लगुना DHA गुजरावाला लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है, मुगल स्ट्रीट स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज सुपर मार्केट पार्टनर है। और जल्दी से मैं आपसे सवाल करूँ ताकि आप जीत सकें शर्ट, जो फ्राइडे के जो विनर थी वो विनर थे वो थे अब्दुल कादिर फ्रॉम इस्लामाबाद, मुबारक हो आपको मिलेगी कराची किंग्स की शर्ट। और आज का सवाल है, कल जो मैच हुआ था जिसमें कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को हराया है, उसके दरमियान जो कराची किंग्स की जानिब से सबसे ज़्यादा किस बॉलर ने विकेट्स हासिल की, उनका नाम आपको बताना है। मैं मुझसे नहीं पूछिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। और जो विनर होगा उसको मिलेगी कराची किंग्स की तरफ से शर्ट। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही एक प्यारा नौबयाता जोड़ी है, मिस्टर एंड मिसेस सुभान, यानी कि सुभान अवान एंड वशमा फातिमा हमारे साथ हैं। दोनों उभरते हुए फनकार हैं और इनकी अभी अभी शादी हुई है, 2 महीने हुए हैं, बहुत क्यूट बहुत प्यारा सा कपल है। इनकी कहानी हमने सुनी और इनको बहुत सारे लोग कहानी सुना रहे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आपको किसी की कहानी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग स्टोरीज है, मजेदार सी। क्यों ना हम कोई ना कोई स्टोरी खुद डेवलप करें, कितना अच्छा लगेगा। ओह यस। पता है सुभान और वशमा, जब भी कोई मुझसे मिलता है मुझे इतना अपना समझते हैं कि हमेशा अपने बेटे या अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बोलते हैं, निधा कोई रिश्ता हो तो बताना। आई डोंट नो मेरी चेहरे पे कहीं, मैं हमेशा से ये शो पे बताती हूँ कि मेरे चेहरे पे क्या लिखा हुआ है कि मैं रिश्ता कराने वाली हूँ, ऐसा है कहीं? लगती हूँ इस साइड से, इस एंगल से? पोलाइट लगती है ना इसलिए। मतलब लोगों को लगता है कि मैं उनके अच्छे में उनके काम आ सकती हूँ। तो ये सुनते सुनते मैंने कहा क्यों ना हम कोई कहानी ऐसे डेवलप करवाते हैं, यानी कि बहुत से लोगों को मतलब रिश्ता कराने वाले बहुत लोग हैं अवेलेबल, मैं लोगों से उनको मिलवाना चाहती हूँ। एक ऐसी कंपनी है जिसके अंडर बहुत सारे रिश्ते कराने वाले काम करते हैं, सो मैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ। फरियाल एहसान हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और फरियाल एहसान की एक कंपनी है जिसका नाम है
मैचमेकर्स कम्युनिटी एंड कंसल्टेंसी MMC MMC और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो मैचमेकर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं नहीं इस इदारे के बिल्कुल अंडर नहीं है हमारे साथ काम कर रहे हैं आपके साथ काम जी बिल्कुल हमारी कम्युनिटी के साथ वाबस्ता हैं हमारी बहुत सारी कोलीग्स हैं ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा मैच मेकर्स हम आपस में कनेक्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी नाइस सो इस आज जो आप जिनके साथ आई हैं ये भी आयशा नवीद हैं आपके साथ जी जी ये भी माशाल्लाह मैच मेकर हैं हम दोनों फाउंडर ऑफ MMC हैं हमारे साथ हमारी दो फाउंडर और हैं एक अजरबैजान में होती हैं सबीन असफर और एक समिया जुबैर आप पता है पुराने जमाने में रिश्ता कराने वालियों को किस तरह पोर्ट्रे किया जाता था एक खाला होती थी मोहल्ले की कोई खाला मेरे बेटे का रिश्ता करा दो मेरी बेटी का रिश्ता करा दो मॉडर्न खवातीन माशाल्लाह आजकल के जमाने की रिश्ता कराने वाली ये लोग हैं और इसमें मैं भी शामिल हो गई हूँ कहानी सुनो वीक में मैं भी शामिल हो गई रिश्ता कराने वालों में है ना और मेरी दुआ है कि इस वीक से बहुत प्यारी बच्चियों का नसीब खुले बहुत अच्छे लड़के एक दूसरे को मिलें लड़कों को भी अच्छी लड़कियां मिलें और लड़कियों को भी अच्छे लड़के शादी एक बहुत प्यारा बहुत पाकीज़ा बहुत खूबसूरत रिश्ता है देखे ना ये दोनों कितने खुश लग रहे हैं माशाल्लाह सो मैं आपकी मुलाकात यहाँ इन लोगों के थ्रू अपने इन मैच मेकर्स के थ्रू अलग अलग कंटेस्टेंट से कराऊंगी कंटेस्टेंट्स इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास इस वक्त बहुत खूबसूरत कैंडिडेट्स कह सकती हूँ मैं बहुत खूबसूरत तीन प्यारी सलीका शार और नसीब वाली बच्चियाँ हैं यहाँ वेलकम टू द शो मैं एक एक करके इंट्रोडक्शन कराऊँगी इनका पहले मैं दुआ से आपको मिलवाती हूँ कितना प्यारा नाम है दुआ और दुआ की क्या कहानी है दुआ के बारे में क्या कहेंगे हम आइए इनका पैकेज बताएगा अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सदफ इकबाल है मैं दुआ की वालदा हूँ मेरे तीन बच्चे हैं पहले दुआ फिर दो बेटे दुआ सबसे बड़ी है उनके बाद दो बेटे हैं नाम दुआ इकबाल है मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं आईओ की डिपार्टमेंट BBA कर रही हूँ अब हम फैमिली ने डिसाइड किया कि अब हम दुआ की शादी के बारे में सोचें तो हमें यह हुआ कि किस तरह का लड़का चाहिए तो देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि केयरिंग हो लविंग हो और अच्छा घराना हो इज्जतदार लोग हों मेरी बेटी को बहुत इज्जत दें मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ छोटी छोटी बात पर रो जाती हूँ सो मैं यही चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर जो हो तो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करने वाला लाइफ पार्टनर हो एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिखने में बहुत अच्छा हो हैंडसम हो कि उसकी जाहिर सी बात है हैंडसम अमाउंट हो जो कि मेरे ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो सके और हमारे साथ ऐसे नहीं कि दामादों की तरह बेटा बन के रहे मैं सेपरेट और जॉइंट फैमिली दोनों अफोर्ड कर सकती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बस बहुत अच्छा हो और शॉर्ट फैमिली हो निदा यासिर का शो हमें इसलिए डिसाइड हुआ क्योंकि हम सुबह जब नाश्ता कर रहे होते तो पूरी फैमिली जो है वो देख रही होती है निदा यासिर का शो तो हमें ये हुआ कि ये डिसीजन हमारा बेहतर रहेगा कि हम यहाँ बात करें और फिर आई होप कि बहुत बेहतर मामलात रहेंगे जी तो दुआ वहाँ भी है और दुआ यहाँ भी है अस्सलाम वालेकुम दुआ वालेकुम सलाम वेलकम टू द शो थैंक यू मेरी सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह करे कि इस शो के जरिए कोई खुशखबरी आए और अच्छा शख्स अच्छा इंसान आपको मिले आपकी ज़िंदगी में क्योंकि ये वही वाली बात है खुदा ने जोड़ियाँ बनाई होती हैं यू नेवर नो सो दुआ तो देखने में यहाँ सामने और भी ज़्यादा प्यारी हैं थैंक यू सो मच और अपनी माँ के लिए तो जाहिर है हर बच्ची प्यारी होती सही बात सो दुआ ने BBA किया है जैसे मैंने आपके पैकेज में सुना आप लोग भी कोई सवाल कर सकते हैं वैसे बिल्कुल है ना कंसंट्रेशन से सुन लो है ना तो दुआ को जिस तरह का लड़का चाहिए हो तो मैंने सुन लिया कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ मैं थोड़ा नखरे उठाने वाला लड़का चाहिए बिल्कुल ऐसे ही और सेकेंडली के अंडरस्टैंड करने वाला होगा अंडरस्टैंड करेगा तो सब कुछ ही उसमें आ जाएगा कि अगर कुछ कोई गड़बड़ हो गई है कोई सही से काम नहीं हुआ या कोई भी प्रॉब्लम सही बात है तो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल हाँ अच्छा आप
अगर मैं आपसे ये पूछूं, होता है ना कुछ बच्चियों को होता है वो बाहर के काम ज्यादा अच्छी कर लेती हैं, अम्मा उनको भेजती हैं बैंक का काम कराओ, फलाना सौदा ले आओ या क्या, और कुछ बच्चियां किचन में बड़ी अच्छी होती हैं, वो किचन का काम बड़ा अच्छा सा संभाल लेती हैं, 20 वो भी आ जाते हैं मेहमान तो ठक 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 ठक, अम्मी आप फिक्र नहीं करें मैं कर लूंगी, तो दुआ का शुमार किन बच्चियों में होता है? नहीं, घरेलू काम में और कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। अच्छा, फूडी हूँ, खाना भी पसंद है तो पकाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें आता है पकाना? और ये इसने अभी स्टार्ट किया शादी के बाद से प्रॉपरली खाना बनाना, इससे पहले ये नहीं करती थी। यूट्यूब जिंदाबाद यार, इसकी मामा जिंदाबाद, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, रेसिपी बताती है एक एक चीज। और ये उनको ऐसे फॉलो करती है, मुझे लगता है उनसे ज्यादा अच्छा बनाने लगी। मेरी मामा से असल में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है बचपन से। अच्छा, तो वो जब भी किचन में कुछ बना रही होती थी ना, तो मेरी आदत थी कि मैं शेल्फ पे ऐसे जाके बैठ जाती थी। आपने कैसे सीखा? मैंने मम्मा से, अम्मी से। और कैसे तुम लोग चटपटे खाने खाते हो? हम सब खाते हैं। सारे सारे। And I love vegetables, तो ये बहुत अच्छे बनाती हो, सब्जियां सारी बहुत अच्छी बनाती हो। जबरदस्त। अच्छा, तो तुम कहती हो कि तुम्हें किचन पे पूरा अबूर हासिल है, और तुम जॉब भी करती हो? जॉब करती हूं। हाँ, और जॉब तुम्हारा है, तुम्हारी ख्वाहिश की तुम शादी के बाद भी जॉब करो इंशाल्लाह। हाँ, ताकि आजकल का जमाना ऐसा है कि भाई एक की एक ही गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी जिंदगी। वैसे भी आई थिंक आपकी एक अपनी लाइफ होती है, और अपने आपको हार्ड वर्किंग करने के लिए ना, वरना बंदा जॉब छोड़ के बिल्कुल सुस्त हो जाता है। तुम दोनों चीजें एक साथ कर सकती हो, खाना भी बना सकती हो, जॉब भी कर सकती हो, इतनी एक्टिव हो। मेरी मम्मा मैनेज करती हैं थोड़ा बहुत, तो शायद मुझ में भी ऐसे गुण आ जाए। और तुम क्या चाहती हो, कि तुम्हारी शादी कराची में हो या किसी और शहर में हो तो चलेगा? कराची में ही, कराची में। मम्मा के फर्ज करो बड़ा अच्छा रिश्ता यहाँ से आ गया देखकर, के पिशावर से आ गया या लाहौर से आ गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। या किसी और शहर से आ गया? ये तो अब नसीब की बात है। अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो तो नसीब की बात, कुछ कह नहीं सकते। ये ना कहो, मैं हमेशा कहती थी कहीं भी शादी करूंगी कराची नहीं करूंगी। मैं हमेशा कहती थी कहीं भी शादी करूंगी सिंधियों में नहीं करूंगी, और सिंधी जो बंदा बोलता है ना वही होती है। मैंने खैर कुछ बोला नहीं इस मामले में। हमेशा हम लड़कों से पूछते हैं क्या डिमांड है, वो आज हम लड़की से पूछ रहे हैं तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। ऐसा भी जमाना है, क्यों नहीं, गुड लुकिंग हो, गुड लुकिंग हो, बस मेरे लिए शायद इतना ही इनफ है अभी तक। बिजनेस वाला हो, नौकरी वाला हो, नहीं नहीं, एजुकेटेड हो, हां, एंड हैंडसम अमाउंट हो। कितना हो, कितनी फिगर हो, मतलब उसकी उसकी जो सैलरी फिगर हो कितनी है? सिक्स फिगर्स। सिक्स फिगर तो हो। हां, तो ये ताकि जो मेरे खर्चे हैं, जो मेरे पास खर्चे करवाती हो क्या? बाबा के तब तक बहुत कराती हूं। हां, लेकिन तुम खुद भी तो जॉब करती हो। हां, मेरे खुद जॉब से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मेरी जो कैट्स है ना वो पल रही हैं। बिल्लियां पल, मेरी बिल्लियों को खाना चाहते हैं, बस मेरी जॉब से बस ये है। तो जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो अपने बाबा के पैसों से ही पूरी हो सकती है। तो अब तुम अपनी क्वालिटीज बताओ, जब तुम्हें ये सब चाहिए, तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। बिल्कुल। तुम दोनों घर और बाहर सब संभाल सकती हो? घर संभाल सकती हूँ ज्यादा। अच्छा, घर बाहर दोनों इतना नहीं दिख सकते। मैंने सुना तुम पेंटिंग भी करती हो। बिल्कुल बिल्कुल, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज्यादा शौक है मुझे। और क्या क्वालिटी है तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर, क्या क्वालिटीज है? पर्सनैलिटी में क्वालिटीज जैसे होता है ना कि मिलनसार हो, फ्रेंडली हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी क्वालिटीज। नहीं नहीं, मैं बहुत भंड मास्टर हूँ। नहीं, वो जब बंदा इतना ज्यादा आता है शोबिज में तब तो जाहिर सी बात है भंड। बेटा मैं पहले भी ऐसी थी, बिल्कुल नहीं। और सच्ची बात है मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, मैं जैसी थी वैसी हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। लोग आपको ऐसे ही पसंद भी करते हैं। आई थिंक इंसान को जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए। क्या क्वालिटी है ये पूछती हूँ कि तुम्हारी पर्सनालिटी की क्या कॉमेडी कॉमेडी कह रही हूँ क्वालिटी हो गया, मुझे माफ कर दे, एक और हो गया आज। तुम्हारी पर्सनालिटी की क्या, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी बातचीत करना, तुम्हारा खामोश रहना, तुम्हारा गुस्सा कम करना? मैं बहुत अच्छी हूँ बातचीत में, बहुत अच्छी हूँ अखलाकी, बहुत अच्छी हूँ। अगर किसी से मिलूंगी तो बहुत हंस के मिलूंगी, बहुत साल बाद भी याद रखती हूँ उस शख्स को। अच्छा जी,
और सेकंड बस सबसे मिलके रहते हैं। हाँ। अच्छा मुझे लगता है आपको गुस्सा नहीं आता है, आप बहुत पोलाइट सी हैं। मुझे लगता गुस्सा आता है आपको? मुझे जब गुस्सा आता है तब कुछ नहीं होता। अच्छा तब वो सब मैं रो जाती हूँ। गुस्सा आता है तो मैं रो जाती हूँ। लेकिन कितना जल्दी आता है गुस्सा, जैसे छोटी सी? अच्छा छोटी सी बात। नहीं नहीं, हां फिर चुपके से रो के उसी वक्त खत्म, भी आंसू के साथ गुस्सा खत्म। रखती दिल में नहीं रखती? नहीं दिल में नहीं रखती। तो भाई इनकी हम दोबारा से वो दिखा देते हैं आपको, वो क्या कहते हैं हमारी इस कैंडिडेट के बारे में आपको एक दफा दोबारा दिखाते हैं। जरा मेरी स्क्रीन पे दिखाए, मेरी जो टीम है तफसीलात दिखा रहे हैं दुआ की। नेम दुआ इकबाल, एज 23, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल से खेल सकते हैं। एजुकेशन बीबीए, रिलीजन इस्लाम का सैयद, हाइट 5'7", फैमिली मेंबर्स 5 जी। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी दूसरी प्यारी खूबसूरत सी कैंडिडेट से, जिनके बारे में उनका पैकेज दिखाती हूँ। उनका नाम है बुशरा नवीद। आइए चल के देखते हैं उनका पैकेज। मेरा नाम बुशरा है एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। मेरी फील्ड है आर्किटेक्चर और मैं रिसेंटली अभी जॉब कर रही हूँ। मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, फास्ट फूड बहुत पसंद है, और मुझे फैमिली गैदरिंग भी बहुत पसंद है, और मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। मुझे मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो बड़ों की इज्जत करे और मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखे। एज सच चाहती हूँ थोड़ा अच्छा हो, गुड लुकिंग हो और वेल एजुकेटेड हो। जाहिर सी बात है जब वो घर वालों को भी लेके चलेगा तो वो लड़की को भी जाहिर सी बात है लेके चलेगा। मैं जॉइंट फैमिली में भी सेटल डाउन हो सकती हूँ, उसका कोई इशू नहीं है, और अलग भी रहें तो कोई मसला नहीं है। ये सब उनके ऊपर है, उनके ऊपर डिपेंड है वो क्या चाहते हैं मुझसे। निदा यासिर के शो में मैं इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि उनके यहाँ बहुत इवेंट्स होते हैं, शादी के, मेहंदी के फंक्शंस करती हैं, उसमें डांस वगैरह होता है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा भी वैसा ही हो कुछ, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगी दूसरों को भी कि वो आएँ और अपने रिश्ते जो है वो कराएँ। बुशरा तुम इसलिए आई हो कि मैं यहाँ पे तुम्हें डांस दिखाऊंगी? मेहंदी का बुशरा ये सही है, मतलब मैं और कुछ नहीं करती क्या मैं मेहंदी और शादी और ये बुशरा सही है यार। पता नहीं मुझे था ये मशहूर हो गए निदा यासिर के शो में डांस होता है, गाने होते हैं, शादी होती है। अच्छा लगता है मुझे आपके शो का, आपके शो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। ऐसी मस्ती कर रही हूं मैं दूसरे माइयों के लिए। हाँ समझू, आप आएंगी दूसरे माइयों के लिए? हाँ समझू। फोन करके बोल रहे ना वो माइयों रख रही हूँ, आ जाए। अच्छा बुशरा है, बुशरा के बारे में हमने देखा कि बुशरा छोटी सी है, 20 साल की। जल्दी क्या है तुम्हें शादी करने की? मुझे कोई जल्दी नहीं है, नहीं नहीं किसी को भी नहीं है, लेकिन चले एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर उसको अवेल करना चाहिए। वेरी गुड, नहीं कोई मसला नहीं, अगर अच्छा रिश्ता है तो जल्दी करने में भी देखो ना। ये वाला मेरा सबको बता दो। नहीं मैं कह रही हूं उन्होंने जल्दी जल्दी शादी कर ली, छोटे छोटे से। मैं बोलती हूं क्यूट कपल लगता है, अच्छे है ना, प्यारा लगता है ना, क्यूट लगता है। चलो सो आपको क्यूट कपल बनने के लिए क्या दरकार है? लड़के में क्या होना चाहिए? उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए? उसकी नाक कैसी होनी चाहिए? उसका कद कितना लंबा? चले मैं ये नहीं बोलूंगी ऋतिक रोशन होना चाहिए, लेकिन एजुकेटेड होना चाहिए मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है। ऋतिक रोशन ना आमिर खान का कद हो तो चलेगा? नहीं 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 नहीं, हाइट तो चाहिए मुझे क्योंकि मैं लंबी हूं। जी क्योंकि मैं लंबी हूं तो इसलिए मुझे लड़का भी हाइट। मिनिमम क्या लिमिट सोची है? 5'10" होना चाहिए? 5'10" 11" चलेगा ऐसा? तो अच्छा लगेगा। हाँ जी अच्छा लगेगा। अच्छा अब तुम अपनी क्वालिटीज बताओ ना, जैसे इन्होंने बताया अपनी पर्सनालिटी के बारे में, तुम्हारी क्या क्वालिटीज हैं? मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज? बहुत सारी हैं। जैसे लिस्ट बताएं। जैसे कि मैं जॉली बहुत हूँ और फनी मैं बहुत ज्यादा जी बहुत ज्यादा, और मैं बहुत ज्यादा मतलब तफरी कर लेती हूँ। हाँ। अगर कोई मुझसे मिलेगा तो मैं बहुत मतलब उसको सेटल डाउन कर लेती हूँ कि हाँ। भाई आप मुझसे बात करके परेशान नहीं हो। मैं बहुत जॉली हूँ, मैं बहुत अच्छी बातें कर लेती हूँ आपसे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा अब मैं बुशरा के बारे में और जानूंगी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये वो दौर नहीं है कि ये लड़कियां ट्रे लेकर आई हैं शर्माती हुई और बैठ गई हैं और रिश्ता हो रहा है। लड़कियां बोल रही हैं, लड़कियां बता रही हैं कि वो क्या हैं, वो क्या चाहती हैं। यही तो दौर है जो होना चाहिए, इस चीज़ को चेंज होना चाहिए। लड़कियां इतनी माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि उनको ज़िंदगी से क्या चाहिए उनको पता है। और अगर मेरे पास ये इतनी प्यारी कॉन्फिडेंट लड़कियां हैं आजकल, सुभान तुम भी एज लड़के अगर तुमने एक कॉन्फिडेंट लड़की चूज की है अपने लिए,
वो जमाना बदल गया है, लड़कों को कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद है। बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक लड़की की अपनी कोई चॉइस नहीं होगी तो वो आगे की लाइफ को किस तरीके से लेकर चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको फिर हर जगह पर कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये उसकी अपनी चॉइस होगी तो वो उसको पता होगा कि मैंने ये खुद चूज किया है, मुझे पता है मैंने क्या करना है उधर जाकर। और तुम्हें लगता है ना लड़कों को आजकल कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद है जो जिनको पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, जो डिटरमिंड हो, जिन्हें पता हो अपनी लाइफ के बारे में। बहुत बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के बारे में बुशरा की पूरी कहानी जानेंगे एंड देन फिर हमारे साथ कौन है तो आपको मिलवाएंगे। कहानी सुनो वीक में, आइए कुछ कहानियां हम भी बुने। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात हमारे इस वीक में हुई मिस्टर मिसेस सुभान से और हमने इनकी कहानी सुनी और आपने फिर कुछ ऐसे लोगों की कहानी सुनी जो शायद आप उनसे कभी ना मिले हों लेकिन इंटरेस्टिंग कहानियां थी। और अब हम कुछ कहानियां बुनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अभी बुशरा के बारे में जान रहे थे, बुशरा का पैकेज आपने देखा कि अगर बुशरा का कोई मैच इधर उधर है, क्या पता इस शो के जरिए मिल जाए, यू नेवर नो। तो बुशरा के बारे में हम बात कर रहे थे, बुशरा ने अपनी क्वालिटी बताई कि जॉली है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और वो एक्टिव हो तुम बहुत। किचन का काम में ज्यादा एक्सपर्ट हो या बाहर के काम में ज्यादा? किचन का 50-50 आता है, बाहर का भी कर लेते हैं, बल्ब बल्ब घर के लगा लेते हैं। नहीं, लड़कों वाले काम भी तो होते हैं ना जो कभी नहीं नहीं ये नहीं करती वो सब नहीं नहीं अभी तक तो नहीं किया, बल्ब नहीं लगाया। हाँ। उससे डर लगता है फट ना जाए। नहीं तो हेल्प घर में किस तरह हेल्प करती हूँ? मम्मा की हेल्प करती हूँ किचन, और किचन में भी हेल्प कर देती हूँ, बाहर के भी काम कर लेती हूँ। क्योंकि मैं कौन सा काम तुमसे नहीं होता किचन का? मुझसे क्या काम नहीं होता, मुझसे वैसे बर्तन है ना, बर्तन डिश वॉशर आता है उसके लिए। ये मैंने कल रात आइडिया दिया इसको, डिश वॉशर मंगा ले। अच्छा लड़का तुम्हें किस तरह, लाइक जैसे इन्होंने बताया कि इनकी प्रायोरिटी है कि भाई हैंडसम होना चाहिए लड़का, साफ बात है, और उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, साफ बोल दिया उसने अपनी चॉइस। बुशरा की क्या चॉइस है? मेरी चॉइस ये है कि एजुकेटेड होना चाहिए और उसके बाद फिर आती है सैलरी, जॉब वगैरह, हैंडसम, गुड लुकिंग, पहले एजुकेटेड। पहले एजुकेटेड हाँ। क्योंकि मैं भी खुद पढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ। तुमने क्या बताया कि तुम क्या पढ़ रही हो? मैं आर्किटेक्चर। ओह आर्किटेक्चर जी, और मैं एरिकॉन कंपनी में जॉब भी करती हूँ। अच्छा, जॉब डीडी इंटीरियर डिजाइनर। ओह तो मैं प्रेफर तो यही करूँगी कि मेरा लाइफ पार्टनर भी ऐसा हो कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है ना मैच करे। अच्छा, तुम जॉइंट फैमिली प्रेफर करोगी या अलग रहना? ये लड़के पे डिपेंड है, वो जैसा चाहे मैं वैसा रह सकती हूं। कोई इशू नहीं, इस पे कोई इशू नहीं है क्योंकि मुझे तो लगता है कि साथ रहने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, तो इसलिए अलग तो इंसान बोर हो जाता है, क्या करेंगे दो लोग एक फ्लैट में रहकर। तो इसलिए मुझे तुम लोग इकट्ठे रहते हो फैमिली के साथ या? जी हम साथ रहते हैं, भरा पूरा घर माशाल्लाह। हां गेट टुगेदर्स होती हैं, बहुत मजा आता है फैमिली के साथ। हां जी, ओके जी, जबरदस्त। सो ये थी बुशरा की कहानी और अब मैं आपको सुना रही हूँ ईमान की कहानी। आइए देखते हैं उनका पैकेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान अली है, एज मेरी 27 है और हम लोग माशाल्लाह 5 सिबलिंग्स हैं। एक बड़ी सिस्टर है, मैरिड है, सेकंड पे मैं हूँ और बाकी 3 सिबलिंग्स और हैं, वो बाकी स्टडी कर रहे हैं। मेरी हॉबीज काफ़ी सारी हैं, मैं उनमें से कुछ बता देती हूँ, जो कि वो ये है कि मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और फैशन डिज़ाइनिंग का, गार्डनिंग का, कुकिंग का क्रेज़ है। लाइफ पार्टनर रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ रिस्पेक्टेबल। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ मुझे जो कि कहते हैं लोग कि नहीं होनी चाहिए, कहते पोजेसिव होना चाहिए थोड़ा सा। पेरेंट्स के साथ रहना प्रेफर करें जॉइंट फैमिली के अंदर और साथ जो है ना हंसी मजाक करना, मतलब लाइक शोखी किस्म का बंदा हो कि यार लाइफ चिल लगे उसके साथ। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने हो सकती है कि एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर इंटर करना चाहती हूँ। जी ईमान यहाँ मेरे सामने बैठी हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी फोटोजेनिक नहीं है वो दिखने में सामने यहाँ ज्यादा प्यारी लग रही है। कैसी है ईमान? अल्लाह का शुक्र। तो ईमान आपकी कहानी हमने जानी, तो ईमान जो है उनकी क्या ख्वाहिश है कि जो हस्बैंड है वो जैसे इन लोगों ने बोला कि भाई अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, तो ईमान की क्या ख्वाहिश है? अच्छा कमाना और सभी चीज़ें अच्छी लगती, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आती है रिस्पेक्टेबल।
अच्छा जब तक इज्जत नहीं करने वाला हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, जब तक वो इज्जत नहीं करना जानता वो रिलेशन कभी भी नहीं चल सकता. सबसे पहले रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, फिर एजुकेटेड हो, और कोई हाई फाई क्लास नहीं, मिडिल क्लास भी हो, वेल एंड गुड, बट रिस्पेक्टेबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट बस. अगर फैमिली को रिस्पेक्ट दे, क्योंकि इससे जो रिश्ता रिस्पेक्ट का है ना, वो उसकी बात ही अलग है. जब रिश्तों में रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप कभी भी आगे जाना और अच्छी चीज़ों का अवेल नहीं कर. अच्छा, बहुत सारी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, जैसे वो आप लोगों से मैं सवाल करूँगी, बोलती होंगी डॉक्टर से शादी नहीं करनी भाई, डॉक्टर टाइम नहीं देते. होता है कि किसकी शर्तें होती हैं कि भाई डॉक्टर से शादी नहीं करनी, फलाना वाला अगर प्रोफेशन उसका है तो भाई उससे तो हमने बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं एक्टर से शादी नहीं करनी. सुभान, तुम्हें भी रिश्तों की प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? एक्टर मेरे मियाँ को तो कोई लड़की नहीं दे रहा था, कहते वो डॉक्टर जो है वो कर लेंगे लेकिन एक्टर से नहीं करेंगे. यहाँ मेरे लिए प्रॉब्लम था क्योंकि सब कहते थे इसी को लड़की देनी है, बड़ी मुश्किल से चुराया मैंने. अच्छा, नहीं मैं सच बता रही हूँ तुम लोगों को कि शोबिज में जो शोबिज के लड़के हैं ना, हीरोज जो होते हैं, उनको थोड़ा सा होता है, जो आम लोग हैं वो समझते हैं कि पता नहीं क्या मखलूक होंगे ये लोग, लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग ऐसा नहीं है. और आप जैसे ही होते हैं. टाइम तो ये कि आपके पास कभी भी टाइम नहीं होता, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, आपको निकालना पड़ता है. ये तो है, तो हाँ, तो इमान तुम्हारी इस तरह तो कोई वो नहीं है कि भाई फलाना प्रोफेशन वाला ना हो बस? नहीं, सच ऐसी कोई डिमांड नहीं है मेरी. कोई ऐसी डिमांड नहीं है, वो कुछ भी चलेगा, बस काम करें, ठीक है, टाइम जब निकलना होगा वो निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है. और जॉइंट फैमिली हो, अलग जॉइंट फैमिली हो, ओ ये तो मेरी प्रेफरेंस है, जॉइंट फैमिली. हाँ, क्योंकि मैं, अच्छा ये कितनी अच्छी बात है, तीनों बच्चियों ने ये बोला है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम. बिल्कुल, ये तो जमाना बदल रहा है, हम तो कहते थे अलग घर हो, हमें अकल नहीं थी. जो मतलब जॉइंट फैमिली में आता है ना, वो अकेले लिटरली नहीं आता, फैमिली ज्वाइन होती है, उसमें सास ससुर का साथ होना समझना, आप एक मजबूत एक होता है, और घर के अंदर रौनक होती है तो सास ससुर से ही होती है. अच्छा, और तुम्हें जॉब करने का शौक है शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद जॉब करना पसंद नहीं करूंगी, अगर कहती है तो कर लूंगी. वैसे ही मैं खाने पका पका के खिलाओगी खुद? हाँ, यही मुझे कहा जाता है, चैनल बना लो, खाना अच्छा बनाती हो, गार्डनिंग अच्छी करती हो, चैनल बना लो, आर्ट्स का काम अच्छा करती हो, चैनल बना लो. मतलब हर कोई मुझे किसी न किसी चीज के प्रिपेयर करता रहता है. मेकअप अच्छा कर लेती हूँ, कुछ चैनल बना के अच्छी टिप्स डाल दो, मतलब अलग अलग हरफन मौला कहते हैं, छोटा सा एक वो हूँ मैं, मुझे कहते हैं हरफन मौला है, सब आता है, तो कोई ना कोई चैनल मनाए लो किसी चीज का. कितनी कपूरियां हैं माशाल्लाह. मैं मुझे नहीं पसंद वो लड़कियां जो जिनसे बोला ही नहीं जाता. लेकिन तो सब आना चाहिए, लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. और मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूं आप तीनों से मिलकर. तीनों बहुत अच्छी बच्चियां, आजकल के जमाने को समझती हैं. और अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी. फरियाल एंड आयशा, जाहिर है आप ये काम करती हैं और वो ज़माना चेंज हो गया. मैं इनसे अभी यही बात करी थी कि वो जो पुराने जमाने की रिश्ता कराने वाली आंटियाँ होती थी, वो कहाँ गई? आपने कुचल दिया उनको, अपनी छुपा दिया. मैं चेंज कर दिया. क्या फर्क आया है वो जो रिश्ता कराने वाली आंटियां होती थी और ये जो खवातीन है रिश्ता कराने वाली, इनमें क्या फर्क है? देखिए, फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है. मैं वजह बताती हूँ. जो पुराने ज़माने की ख़वातीन होती थी ना, बज़ाहिर सी बात है, वो उनके अंदर ख़ुद इतना शऊर नहीं होता था, एजुकेटेड नहीं होती थी. अब वो जाती थी किसी घर में, अपना बुरखा पहना, चादर लपेटी, जी ये तस्वीर है और ये लड़का है, ये लड़की है, जी रिश्ता हो गया. ना उसमें कोई मैच बन रहा है, ना कोई कंपैटिबिलिटी देखी जा रही है. कामयाब भी होते थे और ज़्यादातर नाकाम भी हो जाते थे. अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल के दौर की जो हम मैच मेकर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, ओवरऑल मैं ये नहीं कि सिर्फ अपनी बात करूँ, इनकी बात करूँ, हम सब, हमारा सबसे पहला जो एक फोकस होता है ना, वो होता है मैच अच्छा बने. लड़का अगर हाईली एजुकेटेड है, वेल ऑफ है, यानी ये कि उसकी जॉब अच्छी है, उसकी एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है बेसिकली, तो उसको फिर लड़की भी फिर हम उसी तरह की दें. अच्छा, आप क्या मुझे बताएं, लिस्ट में सर फहरिस्त क्या होता है? अगर लड़के वालों को लड़की देखनी है तो वो लड़की में क्वालिटी सबसे टॉप पर क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी के खूबसूरती होनी चाहिए. अच्छा, लड़की खूबसूरत, लड़की हसीन खूबसूरत है, हाँ, मैट्रिक पास है या आठवीं जमात पढ़ी हुई है, बच्ची ने पढ़ा नहीं, भाई रंग काला हो जाता है इसलिए वो गई नहीं. नहीं नहीं, फिर बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करते. रंग काला हो जाता है इसलिए कॉलेज नहीं गई. बहुत सारी बच्चियों को घर बिठा देते इसलिए आगे नहीं पढ़ो, रंग काला हो जाएगा, रिश्ता नहीं आती है. लेकिन जो है ये सब चीजें भी देखी जाती है कि बच्ची एजुकेटेड है. अगर लड़का है उसका एरिया अच्छा है, एरिया बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं लोग. अच्छा, एक तो एरिया बहुत मैटर करता है जी. लड़की के लिए भी, लड़के के लिए भी, बिल्कुल
लड़की कि कौन से इलाके में रहते हैं। देखें अगर वो अच्छे पुल के इस पार के पुल के उस पार ये वाली चीज है। देखिए नेता बात ये आ रही है कि ना आप खुद सोचें अगर जाहिर सी बात है एक अच्छे हाई क्लास एलीट क्लास का लड़का है फैमिली है तो मतलब जाहिर सी बात है उनकी जो एक मैच बनता है या उनकी जो एक ख्वाहिश होती है तो वो यही होती है ना कि उनको उनका कंपैटिबल मैच दिया जाए। लड़का खूबसूरत है या नहीं भी है अच्छा लड़के खूबसूरत नहीं होते मैं ये भी आपको बता दूं हर कोई खूबसूरत नहीं होता लेकिन डिमांड क्या हूर परी चाहिए। ओह अच्छा इसके लिए तो बड़ा डिमांड है यहाँ तो देखिए हमारे पास दोनों एक जैसी जोड़ी ये तो माशाल्लाह अच्छा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है लेकिन जोड़ी उन्होंने खुद ही बनाई है जो खुद बना लेते हैं ना वो ज्यादा सही है तो कहती हूँ वो ज्यादा प्यारे है अपना अपना कारोबार अल्लाह करे अरेंज मैरिजेस होती रहे ये नहीं बात कर रहे हैं अरेंज मैरिजेस ही सही। अच्छा तो लड़के वालों की प्रेफरेंस होती है एक तो खूबसूरत हो जी और अगर हमारा बेटा एजुकेटेड है तो लड़की भी एजुकेटेड बिल्कुल कम से कम ग्रेजुएट। और लड़की वालों की क्या डिमांड हो लड़की वालों की डिमांड बेसिकली जो होती है ना अच्छा मैं एक चीज और आपको बताऊँ की ना लड़की वाले जो है ना वो ज्यादा परेशान करते हैं लड़की वाले मासूम होते हैं तो मैं सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। अच्छी बात है ऐसे ही होना चाहिए हमारी बेटियाँ ऐसे थोड़ी देंगे हम पाल पोस के बड़ा किया पढ़ाया लिखाया नाज नखरे लड़की बाज़ जो है वो पेरेंट्स भेजा मतलब हमसे डिमांड करते हैं वो चीज नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे कि उनकी डिमांड होती है कि खूब से खूब तरी हो मतलब बिल्कुल मैच कर रहा है अच्छा सब चीजें तो क्या लड़का भी खूबसूरत हो ये बोलते खूबसूरत हो इसके अलावा उनकी इनकम बहुत अच्छी हो ठीक है हर चीज वो देख रहे होते हैं एक एक चीज पे पॉइंट मतलब नोट कर रहे होते हैं। जमाना बदल रहा है जमाना बहुत बदल रहा है ये बात सच है। हम लोग समझाने के बावजूद भी बाज़ोखात नहीं समझ में आ रहा होता बहुत सी चीजों पर आके वो मना कर देते हैं लेकिन ये हकीकत है कि रिश्ते कराना इस वक्त मतलब मैं कहती हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं कि जी जो क्लाइंट सोचते हैं कि बहुत आसान काम होगा ये बहुत मुश्किल काम है इसलिए कि हम जितने अच्छे रिश्ते दिखा दें जितने अच्छे लेकिन आगे से जब इनकार होता है ना तो बस यहाँ से घूमता है कि यार इसमें क्या खराबी है अभी भी ये होता है वो ट्रे लेके जाना नहीं 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 ट्रॉली वाला अब वाला सिस्टम नहीं है सिस्टम क्या होता है गाइड करते हैं कि दोनों तरफ आपने वो सीवी भेज दी जी 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 देखिए प्रोफाइल भेजी प्रोफाइल भेजी अच्छा पहले मेरा जो तरीकेकार यानी हमारा जो एक है हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि पहले लड़की वालों से ओके कराया कि भाई आपको लड़का समझ आ रहा है तो फिर हम आपकी बेटी की पिक्चर डिटेल्स आके भेजें। अभी मेरा हालिया ही दिनों में मेरा और बहुत अच्छी बात है रिश्ता डन हुआ है क्योंकि देखिए हम ऐसे वायरल नहीं करते ना बच्चियों की पिक्चर्स को सच बात है अगर लड़का समझ आता है फिर लड़की दिखाई फिर लड़की दिखाई अच्छा फिर उसके बाद लड़की वालों से ओके लड़के वालों से ओके कराए लड़के वालों ने कहा कि ठीक है हमें समझ आ गया है हमने फिर दोनों के नंबर एक दूसरे को दे दिए ठीक है। अब इस वाली ये वाली कहानी अब मैं कल दोबारा सुनूंगी आपसे आगे की बात आगे की बात जो है वो मैं हम कल करेंगे। इस वक्त यहाँ प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया लेकिन जाने से पहले मैं इन तीनों को एक दफा फिर से दिखाना चाहूंगी। दुआ अब मुझे पता नहीं आप लोग शूट करेंगे नहीं मुझे क्यों शूट करें मैं मेरी शादी हो चुकी है। दुआ उधर देखो ना जरा आहा वो हमारे कैमरा मैन जिनके बाल लगे हुए वो सॉरी दुआ बुशरा एंड ईमान ये देखिए तीनों प्यारी प्यारी सी लड़कियां हमारे पास ये कितना मजा है मेरे शो के जरिए शादियां तो कराती हूँ अब शादी हो जाए इन तीनों में से किसी की इंशाल्लाह तो मैं समझूंगी कि हमारा एक फर्ज पूरा हुआ है। अब मैं वाकई रिश्ता कराने वाली बन चुकी हूँ खैर बनाए आप लोग है ना बस एक कंपनी बनाऊंगी रिटायरमेंट के बाद मैंने सोच लिया मेरा कारोबार करना क्या है सबसे उरूज पर है ना ओके जी थैंक यू सो मच सुभान एंड भूल गई तुम्हारा नाम वशमा मिसेस सुभान कह सकती हैं इतने सारे नाम क्या करूं इतनी सी जान पे सुबह सुबह वशमा एंड सुभान बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं यहाँ आपको लोगों ने देखा प्यार मोहब्बत में कभी कभार थोड़ी सी प्यार की नजर भी लग जाती है जाते ही सदका देना आपने शो से निकलते इंशाल्लाह सो हम आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हम आपको यहाँ साथ देख रहे हैं किसी ड्रामे में भी एज हीरो हीरोइन आप साथ नजर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा मेड फॉर ईच अदर माशाल्लाह थैंक यू टच वुड तो ये था हमारा आज का शो कहानी सुनो वीक हम आपके लिए लेकर आए हैं जरूरी नहीं है जो ये नौ ब्याहता जोड़ा यहाँ बैठा है तो रोज नौ ब्याहते जोड़े ही आएंगे कुछ पुराने
जो कहते हैं ना कि वो चिड़िया चुग गई खेत वाली भी आप मोहब्बत की कहानियां सुनेंगी, अलग अलग कहानियां सुनने को आपको आपको मौका मिलेगा इस वीक में। और एक डिफरेंट चीज़ ये लगेगी कि हमारे इस वीक में आपको रोज़ ऐसे कंटेस्टेंट्स या कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे, शायद अगर आप चिराग लेके ढूंढ के रही हैं अपने बेटे के लिए रिश्ता यहाँ से मिल जाएगा, शायद चिराग लेके आप अगर ढूंढ रही हैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता यहाँ से मिलेगा। सो कहानी सुनो वीक जो है ना वो कुछ ना कुछ आपको देके जरूर जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल मिलेंगे, खुदा।